जैसे कृष्णा ने एमॉर्फस सबस्टेंस, ट्रंकल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, आइसोथर्मल या एडियाबेटिक में, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटालिक कंडक्टर, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, फिर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, SN1 SN2 रिएक्शन, ये टिपिकल टाइप के जो है ये डिस्टिंक्शन है। ये प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर 5 या 7 साल के पेपर अगर आप देखें, ओल्ड सिलेबस के भी पेपर देखें, तो हर साल रिपीटेडली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। इसके लिए ये सिर्फ स्पेसिमेन के बतौर में आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। अब टर्म्स में डिफाइन द टर्म्स हैं, तो ये टर्म्स कहाँ से आते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स में से आपके टर्म्स पूछे जा सकते हैं, सिस्टम है, सराउंडिंग है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इस तरह के टर्म्स हैं डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे। फिर सॉल्यूशन में है आपके कुछ टर्म्स हैं, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में टर्म्स हैं, सॉलिड स्टेट में कुछ टर्म्स हैं, है ना, यूनिट सेल, यूनिट सेल वगैरह। उसके बाद में डायग्राम है, ग्राफ है, स्ट्रक्चर्स हैं, ये कहाँ से आते हैं, तो जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि सेल का किसी का प्रेजेंटेशन अगर आपको पूछेगा, कोई एग्जाम्पल है जैसे आप ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस है, वो आपको ये बनाना है, या फिर अगर आपको सेलिबाइस का स्ट्रक्चर या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर या न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ये इस तरह के स्ट्रक्चर ये जो होते हैं स्किल बेस्ड होते हैं। सेम वे पॉलीमर्स वगैरह में है आपको, तो ये इस तरह के डायग्राम ग्राफ इसके ऊपर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में होते हैं। देन डेरिवेशंस होते हैं पेपर्स में, तो डेरिवेशंस कहाँ कहाँ से होते हैं, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में विच ऑल डेरिवेशंस आर देयर, तो यू ऑल आर अवेयर कि सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक तो आपका राउल्ट्स लॉ है ना, राउल्ट्स लॉ का एक डेरिवेशन है, देन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर या बाकी यूजिंग एनी अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कुछ डेरिवेशंस है, इस तरह के डेरिवेशंस हो सकते हैं। सॉलिड स्टेट में डेरिवेशन है, तो सॉलिड स्टेट में आपको सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के ही खाली रखे हैं, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का जो था वो ओमिटेड पोर्शन में इन्होंने डाल दिया है, तो उसके अंदर आपको पैकिंग एफिशिएंसी का जो है या फिर उनकी डेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करने का, इस तरह के जो डेरिवेशन है वो सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स में फ्यू डेरिवेशन है, थर्मोडायनामिक में डेरिवेशन कौन से हैं, तो विच ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आर देयर, सो इन थर्मोडायनामिक्स यू कैन हैव वर्क का W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, या आपको मैक्सिमम वर्क का W max is minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1 or P1 by P2 इस तरह के, या आपको चेंज इन एंथैल्पी का डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस आइसोथर्मल एडियाबेटिक, है ना, आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, ये इस तरह के जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन हो सकते हैं। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको नर्स्ट इक्वेशन वगैरह के इस तरह के जो है वो, केमिकल काइनेटिक्स में आपको रेट लॉस के ऊपर के जो डेरिवेशन है वो आपको पूछे जा सकते हैं कि जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर का है, है ना, इस तरह के डेरिवेशन हो सकते हैं, या उनकी हाफ लाइफ है उसके बारे में ये डेरिवेशन हो सकते हैं। तो जनरली 2 या 3 डेरिवेशन हमेशा पेपर्स में होते ही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चैप्टर वाइज, हम शुरू करेंगे तो आपको सिंस अपना ये सेशन आज 2 या 3 घंटे का सेशन है, तो इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कि मैं प्रिपरेशन के लिए, कोई बच्चा फर्स्ट टाइम अगर बैठा है और फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है तो उसने क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए और किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो हम 2 चैप्टर का है ना फुल लेंथ ऐसा एक डिस्कशन करेंगे, और बाकी का बीच में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर वाइज जिनको पूरा का पूरा एंटायर ये कंटेंट करना है या इसके बारे में उनको गाइडेंस चाहिए, तो दे हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप मेरे चैनल के माध्यम से मेरे जो ये आने वाले समय में मैं अपलोड करने वाला हूँ YouTube लाइव पे, तो उसके माध्यम से आप बाकी लर्न कर सकते हैं। सो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक, है ना, तो इसमें आपके लैटिस पॉइंट कौन कौन से हैं एंड टोटल एटम यानी जेड उस टाइप के यूनिट सेल में कितने होते हैं, ये इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने
ये वर्चुअल टेक्स्ट बुक है जो नेट के ऊपर भी है, अवेलेबल है। ये डेविड एंड ब्लॉच करके इनके ऑथर हैं, इनका ये बनाया हुआ है, कंपाइलेशन है। मैं ये इंटरनेट रिसोर्स यूज कर रहा हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए खाली। अब इसमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके लैटिस पॉइंट कैसे होते हैं, हम एक एक कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा धीरे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज आपने एक क्यूब लिया है ना, ये क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर्स हैं, तो ऑल टुगेदर देर आर 8 कॉर्नर्स। दिस कॉर्नर्स आर कॉल्ड एज लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट, है ना। तो लैटिस पॉइंट क्या है, वो चीज जहां समथिंग इज प्रेजेंट, आइदर एटम इज प्रेजेंट, आयन इज प्रेजेंट और मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक क्यूब में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हियर यू कैन सी देयर इज ए क्यूब, दिख रहा है आप लोगों को क्यूब। ओके, अब चलो इसके कॉर्नर्स पे हम एटम रख देते हैं। तो आई हैव प्लेस एटम, सो आठों आठ कॉर्नर पे मैंने यहाँ एटम रख दिए। अब यहाँ देखिए, बोथ दिस एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक, है ना। तो यहाँ के सेंटर से, दिस इज स्पीयर, यहाँ के सेंटर से लेके यहाँ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एज लेंथ, है ना। इफ आर इज रेडियस ऑफ दिस स्पीयर, देन आर फ्रॉम हियर टू हियर एंड आर फ्रॉम हियर टू हियर, सो 2r विल बिकम एज लेंथ। अब इसकी जो एज लेंथ है वो 2r है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, मैं इसके सेक्शंस, अगर मैं इसको चारों बाजू से चॉप ऑफ कर दूं, इसको पूरा मैं कट कर दूं चारों बाजू से, अगर इसको मैंने कट कर दिया है ना, कि एक मैंने नाइफ लेके इसको स्लाइस कर दिया, मुझे बॉक्स दिखना चाहिए उस हिसाब से, तो उसको हम सेक्शंस बोलते हैं। तो मैंने यहाँ ये सेक्शंस इसके देखता हूँ, आई विल से व्यू सेक्शंस। मैंने सेक्शंस, ये सेक्शंस मैंने लिए, और अब मैं बाहर से मैंने चॉप अप किया था, इस क्यूब के अंदर के जो भाग है जो रह गए थे उसको मैं अलग कर रहा हूँ। तो ये आठ टुकड़े अलग अलग हो गए, देखिए आठ कॉर्नर से एक 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 टुकड़ा मैंने ये निकाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो इन टुकड़े को मिलाते हैं हम सबको। तो ये पहला मेरा पहले कॉर्नर का, ये दूसरे कॉर्नर से, सो 2 8, ये तीसरे कॉर्नर का तो 3 8, और ये चौथे कॉर्नर का तो 4 बाई 8। 4 बाई 8 मतलब हाफ हो गया आइटम ये। दिस इज 5 बाई 8, दिस इज 6 बाई 8, दिस इज 7 बाई 8 एंड दिस इज 8 बाई 8, है ना। मतलब कितना स्पीयर बना, एक स्पीयर बना, मतलब ये सिंपल क्यूबिक का जो यूनिट सेल है ना, वो कितने स्पीयर से बनता है, एक से। मतलब रैंक ऑफ दिस सेल इज इक्वल्स टू 1 और जेड इज इक्वल्स टू 1, मींस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 1 एटम, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेट अस गो टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ ये जो यूनिट सेल दिखा है, इसमें लैटिस पॉइंट दो तरीके के हैं, कौन से, एक तो कॉर्नर्स है ऑफ द क्यूब और एक दूसरा सेंटर में है। पहले केस में ओनली कॉर्नर्स वर देयर, तो अगर लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर है, ओनली कॉर्नर्स है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड कॉर्नर के अलावा बाकी जगह पे भी अगर लैटिस पॉइंट है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव। तो ये आपका नॉन प्रिमिटिव है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के लैटिस पॉइंट है, एक कॉर्नर पे और एक सेंटर पे। अब हम एक काम करते हैं, वापस मैं इसको एक बॉक्स बना देता हूं। अब यहां देखिए, आपको कॉर्नर पे जो एटम है वो तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बॉक्स के अंदर अंदर जो एटम था वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, शो एटम्स, ये देखिए, ठीक है। अब यहां मैंने एटम्स लगाए सब कॉर्नर पे। नाउ हियर दीज टू एटम्स आर सेपरेटेड, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया। क्यों स्पेस आ गया, क्योंकि इस डब्बे के अंदर भी एक एटम है बीच में, सो दैट एटम विल नॉट अलाउ दीज टू कम क्लोजर। अब यहाँ एज लेंथ है, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 2r। इसका भी हम चलो सेक्शन ले लेते हैं, आई विल चॉप इट ऑफ, चारों बाजू से इसको मैं काट देता हूँ, चारों बाजू से चॉप ऑफ करूंगा तो ये इस तरह से आएगा, देखिए सब कॉर्नर। अब कॉर्नर के सब जो पार्ट है वो मैं सेपरेट करूंगा अंदर की साइड में। सेंटर में जो एटम था वो चॉप अप नहीं हुआ, बाकी कॉर्नर्स पे जो 8 एटम थे वो चॉप अप हो गए। तो 8 एटम्स के जो
क्यूब के अंदर के जो हिस्से थे उसको हम पहला सेपरेट कर लेते हैं। तो अब आप ये देखिए, तो आठ टुकड़े आठ कॉर्नर से मिले है ना, और एक अपने को सेंटर से मिला। चलो आई विल फॉर्म द एटम। तो जो कॉर्नर से एटम थे ये 1 8, दिस इज 2 8, दिस इज 3 8, दिस इज 4 बाई 8, दिस इज 5 बाई 8, 6 बाई 8, दिस इज 7 बाई 8 एंड दिस इज 8 बाई 8। तो ए एक स्पीयर हो गया। तो वन एटम इज फ्रॉम ऑल द कॉर्नर। इसके लिए हम जब कभी भी नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं तो कॉर्नर से 1 8 लेते हैं, एंड देर आर 8 कॉर्नर, सो 1 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1, एंड जो सेंटर का था दैट वॉज 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो गए। ठीक है, 2 एटम पर यूनिट सेल। चलो फेस सेंटर का भी देख ही लेते हैं। फेस सेंटर में आप देखिए, मैंने हर फेस के सेंटर पे एक 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 एटम रखा है, एंड 8 मैंने कॉर्नर पे रखे। ठीक है, तो टोटल क्यूब में देर आर 6 फेसेस एंड देर आर 8 कॉर्नर्स। चलो मैं शो साइड्स, अब ये बॉक्स बना दिया मैंने, यू ऑल कैन सी एट द सेंटर 1 1 1 1 एटम इज देयर। ठीक है, चलो लेट अस प्लेस एटम्स। तो मैंने एटम रख दिया अभी यहाँ, हर कॉर्नर पे एक एंड फेस के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना बच्चों, फेस पे आधा एटम बाहर है और आधा एटम क्यूब के अंदर है। हाउ आई विल कम टू नो, आई विल टेक सेक्शन। ये देखिए मैंने सेक्शन ले लिया इसका। अब 8 कॉर्नर से मैं 8 पीस निकाल देता हूं। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 कॉर्नर। अब ये जो फेसेस थे, टॉप फेस बॉटम फेस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फ्रंट एंड बैक, ठीक है, तो 6 फेसेस से हमने 6 एटम्स निकाल लिए। अब चलो फॉर्म एटम करते हैं। तो हर दो फेस पे ये आगे और पीछे का आधा और आधा एक हो गया, ये लेफ्ट एंड राइट का आधा एंड आधा एक हो गया, बराबर, एंड ये टॉप एंड बॉटम का आधा एंड आधा एक हो गया। तो 6 फेसेस से ये हमको 3 एटम मिले, और बाकी के जो 8 टुकड़े हैं कॉर्नर्स के उसको हम मिलाएंगे हाफ 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 हाफ। ठीक है, 5 बाई 8, दिस इज 6 बाई 8, दिस इज 7 बाई 8 एंड दिस इज 8 बाई 8। तो टोटल कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए। इट मींस फेस सेंटर्ड क्यूब इज मेड अप ऑफ 4 एटम। तो देर आर 4 एटम्स इन यूनिट सेल एंड एटम इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज स्पीयर, ये ध्यान में रखना। ठीक है, एक सेकेंड, सो नाउ इन सिंपल क्यूब वी हैव जेड इज इक्वल्स टू 1, इन बॉडी सेंटर वी हैव जेड इज इक्वल्स टू 2 एंड इन फेस सेंटर वी हैव जेड इज इक्वल्स टू 4। अब यहां ये देख लीजिए, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्पीयर। हियर एज लेंथ ऑफ क्यूब ए इज इक्वल्स टू 2 r फॉर सिंपल क्यूब, एक आपको ध्यान में रखना है। यहां बॉडी सेंटर में ए इज इक्वल्स टू 4 r बाय रूट 3, 4 r बाय रूट 3 है ना, और यू कैन रिमेंबर 4 times r इज इक्वल टू √3 times a, एंड फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक a इज इक्वल टू √8 r। आपको सिर्फ ये तीन चीज ध्यान में रखनी है। अगर आपको a इज इक्वल टू 2 r फॉर सिंपल क्यूब, a इज इक्वल टू 4 r बाय √3 फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूब एंड a इज इक्वल टू √8 r फॉर फेस सेंटर्ड क्यूब, ये तीन अगर आपको याद रह गए तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा, एंड इवन डेरिवेशन इसके करना एकदम आसान हो जाएगा। I will try making it very simple for you. अब ये देखिए, volume of unit cell is a cube, है ना, length into breadth into height, simple cube के लिए ले रहे हैं पहले। अब a is equals to 2r था, तो 2r cube is equals to 8r cube हो गया। अब ये 8r cube हो गया, वो 100% volume हो गई cube की, ठीक है? Now volume of sphere क्या आएगा? तो 4 upon 3 pi r cube, ये volume of sphere आ जाएगा, है ना?
अब हम चलो पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं, किसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। तो इधर ये आपका एज लेंथ था ए, एंड दैट ए वाज इक्वल्स टू 2 आर, और आर इज इक्वल्स टू हाफ ए और 0.5 ए। इसके अंदर कितने एटम होते हैं? 1 एटम पर यूनिट सेल, है ना, 1 एटम पर यूनिट सेल होता है। तो सबसे पहले आप एक पेपर के ऊपर लिख लीजिए, आप 3 बॉक्सेस बनाइए। पहले बॉक्स में आप लिखेंगे एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल आपका 1 हो गया। उसके बाद में दूसरा बॉक्स आप बनाएंगे, उसमें आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आएगा आपका? 4/3 πr³। वो आप ये यहां लिखेंगे 4/3 πr³। ओके, और उसके बाद में नीचे जो बॉक्स बनाएंगे उसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी a³। ए इज इक्वल्स टू 2 आर, या ए इज इक्वल्स टू जो भी बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड है, इसके हिसाब से उसका जो भी रिलेशन है ना, वो आप यहाँ लिखेंगे कि सपोज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो इधर √8r है, ए इज इक्वल्स टू √8r, तो √8r का होल क्यूब इधर हो जाएगा। ये 3 चीजों को डेकोरेट किया आपने, इसमें सीधा सब्स्टिट्यूट किया तो आप एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 कीजिए तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज मिल जाएगा। सो दिस विल टर्न आउट टू बी 52.4%। मतलब इसके अंदर 52.4% ऑक्यूपाइड है। तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा? एम्प्टी स्पेस विल बी 100 माइनस 52.4, दैट इज 47.6%। देखिए कितना सिंपल है ये। चलिए डेंसिटी आप ले लेते हैं इसका। डेंसिटी आप सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? तो ए क्यूब। ए इज इक्वल्स टू क्या? तो 2r, तो 2r³ इज इक्वल्स टू 8r³। अब एटम्स कितने होते हैं इसके अंदर? एक एटम यूनिट सेल में। मास पर एटम कितना हो जाएगा? तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, है ना, एंड दैट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये 8r³ है। ठीक है, ये मिल गई आपको डेंसिटी, ये टोटल मास हो गया अपॉन ये टोटल वॉल्यूम हो गया। सो इफ डेंसिटी इज नोन यू कैन फाइंड आउट रेडियस ऑफ एटम, और अगर रेडियस दिया तो उसके ऊपर से आप डेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको जो पूछे जाते हैं जनरली वो प्लग एंड चक, कि जो डाटा है उसको फॉर्मूला में डाल दो, सॉल्व करो और आंसर लो, इस तरह के न्यूमेरिकल रहते हैं। डेंसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻²³, बराबर, एंड दैट डिवाइडेड बाय ए क्यूब, दिस ए क्यूब अमाउंट्स टू 8r³, बराबर, ये आपकी डेंसिटी होगी। अब सेम वे बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या होगा? ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, देखिए ए इज इक्वल्स टू क्या था? 4r/√3। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब, सो दैट विल बी 4r/√3 द होल क्यूब हो जाएगा। दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, करेक्ट। अब यहां देखिए ये जो डायगोनल है, दिस डायगोनल इज इक्वल टू 4r, r ये पूरा सेंटर का जो एटम है उसका 2 times r, एंड r एंड जो कॉर्नर का इसका r, लेकिन दिस डायगोनल इज इक्वल टू √3 times a। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं 4r इज इक्वल टू √3a, तो आई विल गेट दिस रिलेशन a इज इक्वल टू 4r/√3, है ना, और उसी का मैं क्यूब कर दूंगा तो आई विल गेट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नाउ हाउ मेनी एटम्स आर देयर बॉडी सेंटर्ड में? सो देयर आर 2 एटम्स इन यूनिट सेल। This multiplied by volume of each atom, this will give me total volume. So 2 × 4/3 πr³, and that divided by volume of unit cell, that is 4r/√3 the whole cube. और उसको multiplied by 100 करूंगा, इसको solve करूंगा, तो I will get 68.04%. This is volume occupied by sphere. ये जो दोनों sphere थे, है ना, वो इस cube में इतना volume occupy कर रहे हैं। इसका मतलब empty space कितना बचेगा इसमें? तो 100 माइनस कर लीजिए, 100 माइनस 68.04, तो 31.96, मतलब अप्रोक्सीमेटली 32% एम्प्टी है ना। दिस इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। अब ये डेरिवेशन कितना सिंपल है देखिए, एंड एज फार एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न यू हैव टू रिलाई मोर ऑन द सॉल्व न्यूमेरिकल विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, एंड आपको जो पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो न्यूमेरिकल्स आप अच्छी तरह से कर लीजिए। अब एक ओल्ड सिलेबस जो हुआ करता था उसके अंदर इस तरह के न्यूमेरिकल आते थे, दिस न्यूमेरिकल यूज्ड टू बी फॉर 3 मार्क्स। अब ये देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरह से सॉल्व किया है, कि नियोबियम इज फाउंड टू क्रिस्टलाइज विद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड फाउंड टू हैव डेंसिटी ऑफ 8.55 g/cm³। डिटरमाइन एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम इफ एटॉमिक मास इज 93। अब ये देखिए मैंने यहां जो डाटा उसको दिया है उसको बोल्ड में किया है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है,
तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए बॉडी सेंटर्ड क्यूब कंटेन्स हाउ मेनी एनबी एटम इन यूनिट सेल. सो देर आर टू एटम एंड हाउ डू आई गेट दिस टू एटम. सो देर आर एट कॉर्नर ऑन एवरी कॉर्नर वन एट ऑफ द एटम. सो वन एट इंटू एट एंड प्लस वन एट द सेंटर. सो वन एट इंटू एट इज वन एंड प्लस वन एट द सेंटर. सो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू. सो मैंने सबसे पहले क्या किया नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कैलकुलेट करके ले लिया. अब स्टेप नंबर टू में मैं क्या करूंगा कि मास ऑफ नियोबियम एटम फाइंड आउट करूंगा. एटॉमिक मास मुझे दिया है 93. सो 93 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मींस टोटल एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम है ना का जो टोटल मास होता है इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास. सो मास ऑफ वन एब्सोल्यूट एटम विल बी हाउ मच. तो 93 डिवाइडेड बाय 6.022 इनटू 10 रे टू 23. इसका मतलब हो गया नियोबियम के ईच एटम का 1.544 इनटू 10 रे टू -22 ग्राम. ये हो गया मास ऑफ एटम. अब मेरे नियोबियम की यूनिट सेल में कितने एटम थे? दो. एक एटम का मास 1.544 इंटू 10 रेस टू -22 है. तो दो एटम का मास कितना हो जाएगा? तो टू टाइम्स है ना, टू टाइम्स 1.544 इंटू 10 रेस टू -22 ग्राम. सो ये हो गया 3.088 इंटू 10 रेस टू -22 ग्राम. अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. डेंसिटी हमको ऑलरेडी दी है. कितना दिया? 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एज लेंथ अपने को पता है. तो इफ ए इज एज लेंथ ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब. Density is mass of unit cell upon volume of unit cell. Mass of unit cell हमने यहाँ से calculate किया है 3.088 into 10 raised to -22 and divided by a cube and this should give me density. Correct? So a cube will become what? 3.088 into 10 raised to -22 divided by density. अब density मुझे already दी 8.55. तो मैंने यहाँ 8.55 रख दिया, substitute कर दिया और इसको solve किया. तो I got 0.361 into 10 raised to -22 centimeter cube. है ना? और 36.1 into 10 raised to -24 centimeter cube. अब दिस इज इक्वल टू ए क्यूब. सो हाउ मच विल बी ए? तो दैट विल बी क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट ऑफ दिस और 36.1 इंटू 10 रेस टू -24 होल रेस टू 1/3. इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 3.3 इंटू 10 रेस टू 8 सेंटीमीटर. अब ये मुझे मिल गई एज लेंथ. अब एज लेंथ मुझे मिला तो एज लेंथ से आई विल कैलकुलेट द रेडियस. कैसे? आर इज इक्वल टू रूट 3 बाय 4 टाइम्स ए. यहाँ से जो ए कैलकुलेट किया था वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, रूट 3 बाय 4 इंटू 3.3 इंटू 10 रेस टू -8 will give me 1.43 into 10 raised to -8 centimeter. अब finally ये centimeter को मुझे convert करना है nanometer में. तो कैसे? radius r is equal to 1.43 into 10 raised to -8 centimeter. So इसी को 14.3 nanometer, 1 centimeter is 10 raised to 9 nanometer. ये देखिए 5 step के अंदर आपका ये numerical solve हो गया, ठीक है ना? आप एक बार दो बार अगर practice करेंगे तो इसको solve करने में आपको 3 या 4 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा. ये 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं 3 मार्क्स के लिए. अब पीछे आपको डिफेक्ट्स के बारे में ये है, डिफेक्ट्स दिए. तो डिफेक्ट्स कितने टाइप के डिफेक्ट है? अब इसमें मैंने कुछ एडिशनल स्टफ भी डाला हुआ कि जो हायर स्टैंडर्ड के लिए रिलेवेंट है या एंट्रेंस एग्जाम के लिए. आपके सिलेबस में स्क्रू डिफेक्ट्स है वो नहीं दी है आपको. पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट है, प्लेन डिफेक्ट है खाली. तो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिया है. तो पॉइंट डिफेक्ट्स में कितने तरह की डिफेक्ट है? तो पॉइंट में आपको स्टाइचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसी दी हुई है ना. तो स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं, नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है ना. या इस स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आपको शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे दो डिफेक्ट है. तो इस डिफेक्ट के बारे में आपको डेफिनेशन या ये पूछे जा सकते हैं या एक्सप्लेन कीजिए करके. नॉन स्टाइचियोमेट्रिक मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, इसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेन करके आपको ये पूछा जा सकता है. अब ये क्रिस्टल में जो डिफेक्ट होते हैं तो उसके कॉजेस क्या है, क्यों होती है कॉजेस, व्हाई? तो सबसे पहला होता है इंप्यूरिटी इज द रीजन, सेकंड इज थर्मल वाइब्रेशन, थर्ड इज कंडीशन अंडर विच क्रिस्टल हैव बीन डेवलप्ड. सो दिस आर द कॉजेस ऑफ इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन द क्रिस्टल. क्रिस्टल में जो डिफेक्ट होती है इसकी वजह से. सबसे पहले शॉर्ट की डिफेक्ट अंडरस्टैंड करते हैं. तो इसमें फॉर्मूला विल रिमेन सेम, आपको ये ध्यान में रखना है. और ये जो है ना प्रोपोर्शनेट अमाउंट में एटम्स मिस होते हैं. देखिए एक पेयर गायब हो गया है ना, एक बड़ा एटम और एक छोटा एटम दोनों, ठीक है. दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड ए शॉर्टकी डिफेक्ट. सो सम आयन पेयर्स आर मिसिंग, सम आयन पेयर्स आर मिसिंग एंड डेंसिटी विल डिक्रीज. क्योंकि डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना. तो वॉल्यूम तो सेम है लेकिन मास कम हो गया, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में है ना, तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी. क्रिस्टल विल रिमेन न्यूट्रल. क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट अमाउंट कैटायन एंड एनायन दोनों सेम नंबर्स में यहाँ से बाहर निकले इस क्रिस्टल में से. सो यूजुअल अकर्स इन क्रिस्टल वेयर रेडियस ऑफ कैटायन इज नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन.
और ये जो डिफेक्ट्स हम देखते हैं वो सोडियम क्लोराइड या सीजियम क्लोराइड इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर देखी जाती है. एंड इट कंडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल अमाउंट. अब ये शॉटकी डिफेक्ट क्या है? तो शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि ये गायब परमानेंट मिसिंग नहीं होती है, कि एकाध जो एटम है वो अपने जगह से डिसलोकेट होकर चला जाता है ना, और उसी क्रिस्टल में रहता है, उसी क्रिस्टल में इट ऑक्यूपाई सम अदर प्लेस, किसी और जगह पे चला जाता है. ऐसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट. एंड ये जो है आपको रिलेवेंस नहीं रखता, एन इज इक्वल टू एन इन टू माइनस ई अपॉन टू के टी, ये टोटल नंबर ऑफ जो डिफेक्ट्स है वो कैलकुलेट करने के लिए ही है. ये जनरली हायर स्टैंडर्ड पर रहता है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है वैसे ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स भी है एन है वो भी इंक्रीज होती जाती है. एंड रूम टेम्परेचर पे रहता है तो 1 in 10 आयंस, ये अप्रोक्सीमेटली इस डिफेक्ट का स्वरूप रहता है कि एवरी 10 आयन में से एक आयन का इस तरह का बिहेव करना ये होता है. अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट है. फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे तरक्की होती है, देखिए यर फॉर्मूला रिमेन सेम. अब ये सिल्वर ब्रोमाइड का हमने लिया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द आयन विल लीव इट्स ओन साइट एंड इट विल माइग्रेट टू सम अदर साइट इन द क्रिस्टल. अब ये देखिए सिल्वर आयन यहाँ से चला गया दूसरी जगह पे चला गया, है ना. तो एन आयन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजिशन. इंटरस्टिशियल पोजिशन यानी वो पोजिशन है जो दो आयन के बीच में स्पेस रहता है बचा हुआ, वहां चला जाता है. तो इसका डेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं है, तो डेंसिटी डजंट चेंज, डेंसिटी विल रिमेन सेम. तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, इसमें क्रिस्टल रिमेन न्यूट्रल. तो ये शॉटकी डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, इस तरह की जो डिफेक्ट्स हैं वो आपको ये पूछी जा सकती है. नाउ नेक्स्ट वी विल गो टू सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन में आपका पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है, राउल्ट स्लोप ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो डेरिवेशन है वो आप अच्छे से कीजिए, है ना. P इज इक्वल टू पी जीरो इंटू एक्स. अब ये पी जीरो है मतलब ये प्योर फॉर्म में, एंड एक्स इज मोल फ्रैक्शन. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. अब इसमें द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन that depends on number of solute particle in solution and not on their nature are called as colligative properties. So altogether there are 4 colligative properties. और ये चारों जो colligative property है वो क्या है, एक तो vapor pressure lowering है, दूसरा boiling point elevation है, तीसरा freezing point depression है, चौथा osmotic pressure है. अब इसमें तीन जो है वो molality पे depend करते हैं और एक है वो molarity पे depend करता है, ये factor हमेशा ध्यान में रखना. So तीन के जो calculation है vapor pressure lowering का या boiling point elevation या freezing point depression, that is related to molality small m and osmotic pressure depends on molarity capital M. ये खास ध्यान में रखना. अगर convention आपने small लिखते समय आप capital और small convention अगर आपने interchange कर दिया तो answer में गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान में रखना. अब एक चीज यहाँ बहुत हमको ध्यान में रखनी है, that is what कि lowering of vapor pressure of solvent in solution. किसका lower हो रहा है vapor pressure, solvent का, है ना. वैसे elevation of boiling point भी, किसका elevate हो रहा है, सॉल्वेंट का. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, किसका डिप्रेशन हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, है ना. सो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. तो यहाँ ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, और किसकी वजह से आ रहे हैं, ड्यू टू एडिशन ऑफ सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या वोलेटाइल सॉल्यूट. तो कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी हम डालते हैं will determine how much is the deviation, कितना इसमें deviation हो रहा है, और उसके लिए इन properties को हम colligative properties बोलते हैं. अब आपको ये entrance exam जो रहते हैं उसमें छोटे छोटे multiple choice questions रहते हैं, तो उसके लिए कुछ trick है कि what is molality of solution made by dissolving 360 gram of sugar in 500 gram of water, है ना. तो molality M is moles of solute upon kilogram of solvent. अब आप एक काम कीजिए कि इस तरह से आप तीन कंपार्टमेंट बना लीजिए विद ए प्रॉपर डिवाइडर, है ना. अब सबसे पहला ये जो पार्ट है इसमें हम लेंगे सोल्यूट, कितना लिया है, 360 ग्राम शुगर लिया है, ठीक है. कितने में लिया है, 500 ग्राम वाटर में. तो इधर मास ऑफ हमने सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया, और ये जो दो पार्ट है इसके अंदर हम उनका मोल्स तक में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो लिखेंगे. अभी शुगर लिया है बरोबर ना, तो इधर 1 mole ऑफ शुगर मतलब कितना हो जाएगा, 180 ग्राम. 180 ग्राम ऑफ शुगर इज इक्वल टू 1 mole. और इधर वाटर नीचे है तो 1 mole वाटर कितने का होगा, तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर, दैट विल बी 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम हो गया, इधर ये ग्राम में दिया तो किलोग्राम में होना चाहिए,
अब क्या कीजिए, जो कॉमन टर्म्स है उसको कैंसिल कर दीजिए, इधर से ग्राम ऑफ शुगर विल गेट कैंसिल, ठीक है, ग्राम ऑफ वाटर विल गेट कैंसिल, करेक्ट। अब क्या बचा आपका, बाकी के जो चीजें इधर 500 को 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, बरोबर, इधर 180 को 360 से करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 × 2 तो मतलब 4 मोल एंड पर किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम इज नथिंग बट मोलालिटी, मतलब मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच, 4 मोल एल, ओके। ये इस तरह से शॉर्टकट है। नाउ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, के उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज P1 0 - P1 एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज P1 0 - P1 upon P1 0, P1 0 - P1 को हम डेल्टा पी भी लिखते हैं, एंड डेल्टा पी अपन P1 0 इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, सो X2 विल बी इक्वल टू N2 upon N1 + N2, बट एज वी नो N1 इज वेरी 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 N2 इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू N1, एंड देयरफॉर N1 एंड N2 इज प्रैक्टिकली टेकन एज N1, तो इधर ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें N1 प्लस N2 की जगह पे व्हाट आई विल यूज N1, सो X2 विल बी इक्वल्स टू N2 upon N1, तो अब मैं यहां X2 की जगह पे X2 इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन P10 था, तो उसकी जगह पे N2 upon N1 इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन P10 मैं लिख देता हूं, ठीक है, X2 इज N2 upon N1 ले लिया हमने। अब यहां से आपका डेरिवेशन एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा, देखिए कैसे। सपोज W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट बी डिसॉल्वड इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, एंड लेट M2 बी मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड M1 बी मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया N1 दैट विल बी W1 अपॉन M1, एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया N2 दैट इज W2 अपॉन M2। अब यहां N2 अपॉन N1 की जगह पे वी विल सब्स्टिट्यूट दिस, so X2 is equals to N2 upon N1 that is W2 upon M2 upon W1 upon M1 is equals to delta P upon P10, इसको reorganize कर लेते हैं, तो X2 is equals to W2 M1 upon W1 M2 that is delta P upon P10। अब बच्चा यहाँ confused हो जाता है, ऊपर क्या है और नीचे क्या है, तो मैं आपको एक simple सी trick देता हूँ, ध्यान में रखना। Wise man, W-I-S-E, man, मतलब एकदम अकलमंद आदमी, एक आदमी है वो 21वीं सदी का 21st century का, और एक जो था वो 12th century का था, तो which person will be wise, तो 21 century का person है will be wise, है ना, over 12th century person, so here I will write wise man WM upon WM, wise man of 21 century, so 2 and 1 over wise man of 12th century, and therefore W2 ऊपर है, M1 ऊपर है, W1 नीचे है and M2 नीचे है, ये अगर आपको याद रह गया इतना, तो बाकी का सेम पार्ट है आपको चारों चार जगह पे आपको यूज में आने वाला है। नाउ X2 इज P10 माइनस P1 अपॉन P10 दैट इज डेल्टा पी अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन W1 M2 और P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज W2 M1 अपॉन W1 M2। अब बाकी के अगर सब वैल्यूज आपको पता है, P10 पता है, P1 पता है ना, W2 अगर आपको पता है, M1 पता है, W1 पता है, तो आप इजीली M2 कैलकुलेट कर सकते हैं, सो नोइंग ऑल अदर क्वांटिटीज molar mass of solute M2 can be easily calculated, this is derivation of molar mass of solute from relative lowering of vapor pressure, so you may have numerical or you may have straight derivation। ab isi tarah ke baki ke teen derivations hai na, ab solution is prepared by dissolving 394 gram of non volatile solute in 622 gram of water, the vapor pressure of solution, ab ispe numerical kaisa hoga, to dekhiye jo data diya pehle maine data organize kar liya, the vapor pressure of pure solvent is 31.8 mm of mercury and P1 is 30.74, W2 अपने को पता है 394, M2 calculate करना है, W1 पता है हमको, M1 अपने को पता है, क्या करेंगे सीधा formula में plug and chuck, जो quantities है सीधा directly substitute कीजिए and you calculate value of M2, देखिए दो या तीन step में आपका ये numerical solve हो जाता है, generally इस तरह के numerical दो या तीन marks के लिए पूछे जाते हैं, so numericals are very easy to handle। Pi is equals to N2 RT upon V, अभी osmotic pressure के ऊपर है, for very dilute solution, osmotic pressure follows this equation, अभी देखिए N2 RT upon V है, तो ये moles of non-volatile solute है, N2, है ना, R is universal gas constant है, 0.08206 decimeter cube atmosphere per Kelvin per mole, T is absolute temperature in terms of Kelvin, and V is volume of solution in decimeter cube, and pi is osmotic pressure, चलो इसका हम osmotic pressures की unit क्या है वो find out करते हैं, N2 upon V, number of moles upon volume, this will give me what, this will give me molarity of the solution, that is concentration,
सी, सो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, है ना. कॉन्सेंट्रेशन सी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी एंड देयरफॉर इन दिस एक्सप्रेशन एट द प्लेस ऑफ सी इवन आई कैन राइट पाई इज इक्वल टू एम आर टी, करेक्ट. अब ये देखिए यहां से ये मोल था, ये पर मोल था, कैंसिल हो जाएगा, बरोबर. एटमोस्फियर और ये कैंसिल हो गया यहां से, है ना. अब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते समय वी हैव डन मोलारिटी. अब बाकी के जो तीन ऑस्मोटिक तीन जो प्रॉपर्टीज है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी. सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इनटू एम. ये के एफ क्या है आपका? के एफ इज योर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं. इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सो एम इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू वन इंटू एम टू. अब देखो मैंने आपको बताया था वाइज मैन ऑफ 21 सेंचुरी अपॉन वाइज मैन ऑफ 12 सेंचुरी, है ना. तो डब्ल्यू टू एम वन, जो एम वन मेरा था उस एम वन की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 1 किलो. 1 किलो इज नथिंग बट 1000 ग्राम. तो यहाँ 1000 रख दिया. सो दिस पार्ट विल गिव मी मोलालिटी. सो डेल्टा टी एफ इज के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू वन इंटू एम टू. स्ट्रेट न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ सकते हैं. और एम टू इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू वन इंटू टी एफ. So this is determination of molar mass from depression of freezing point. Same way from elevation of boiling point. Same चीज है. लेकिन आपको क्या करना है? खाली यहाँ जो आपका KF था उसकी जगह पे you will be writing KB, ebullioscopic constant. So MT is equals to KB into W2 upon 1000 upon W1 into delta TB. This is elevation of boiling point. Now this is using M2 is equal to W2 into R upon T into pi into V. अभी ये at a glance आपके सामने तीनों तीन है. Okay. So determination of molar mass of solute. Hold for a minute. Determination of molar mass of solute. So determination of molar mass of solute from all these three properties, elevation of boiling point है, depression of freezing point है, या using osmotic pressure. ठीक है. अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है? Determination of molar mass of solute में सबसे पहले हमने लिया था relative lowering of paper pressure से. वहाँ क्या use किया था? Molality. ठीक है. Elevation of boiling point में हम क्या use कर रहे हैं? Molality. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या यूज कर रहे हैं? मोलालिटी. लेकिन व्हेन आई यूज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट आई एम यूजिंग? आई एम यूजिंग मोलारिटी. ये बात खास ध्यान में रखनी. नाउ नेक्स्ट वी विल गो ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, मेटालिक कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, देन electrolysis of sodium chloride, electrolysis of fused sodium chloride and electrolysis of aqueous sodium chloride. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको अच्छी तरह से ये करना है. तो Kolbrach's law of independent migration क्या है, what is molar conductance क्या है आपका, उसके बाद में resistance किसको बोलते हैं, conductance किसको बोलते हैं, है ना. resistivity क्या है, conductivity क्या है, इन दोनों के बीच में relation क्या है. Then what is cell constant? How it is determined? ये छोटे-छोटे concepts हैं. आपको एकदम अच्छे से करना है. Basically इसमें इस cell is a device which converts one kind of energy into another kind of energy. And there are two types of cell which have been discussed in this chapter. तो इसमें convention हम किस तरह से use करते हैं? तो electrolytic cell का representation किस तरह से होता है? Oxidation कहाँ होता है? Reduction कहाँ होता है? ये आपको ध्यान में रखना है. अगर आपको एग्जाम के टाइम पे कहीं किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आया तो आप क्या कीजिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखिए, है ना. क्या रिमेंबर रखना है आपको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैथोड एंड एनोड, है ना. एनोड एंड कैथोड. तो पहला क्या आएगा? ए. तो आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए एंड राइट हैंड साइड में सी,
तो पहला एनोड आएगा, उसके बाद में कैथोड आएगा। अच्छा, उसके बाद में पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो पी एंड एन, पहले क्या आता है तो पहला एन आता है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव लिखिए, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लिखिए, करेक्ट। उसके बाद में क्या आएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो पहले क्या आता है ओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन एंड राइट हैंड साइड में रिडक्शन। देखिए आपका काम एकदम आसान हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, करेक्ट, एंड इट इज कॉल्ड एज एनोड, सो ऑन एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इट इज रिटन ऑन राइट हैंड साइड, करेक्ट, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। और उसके बाद में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल विल गिव अस टोटल ईएमएफ ऑफ सेल। तो स्टैंडर्ड कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ ऑफ सेल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो गैल्वेनिक सेल है वो गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है। तो डैनियल सेल आपके इसमें सिलेबस में, अब ये देखिए कि दे हैव टेकन टू बीकर्स, बराबर, एक बीकर में सपोज मैं स्टैंडर्ड सेल क्रिएट कर रहा हूँ, तो लेट मी टेक ए मेटल, तो सपोज मैंने जिंक मेटल ले लिया एंड जिंक मेटल इज डिप्ड इन सपोज जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन, जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन में मैंने इसको डिप किया। फिर इस साइड में मैं ले लेता हूँ कॉपर इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड को मैं डिप करता हूँ कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें सेल को हम ऑन करेंगे, सॉल्यूशन नहीं भरा इसमें, एक मिनट रुकिए, जिंक नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट। अब यहां देखिए आप कि दिस जिंक मेटल ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, तो जिंक मेटल इज डिसॉल्विंग हियर पासिंग जिंक आयन इन द सॉल्यूशन एंड लिबरेटिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू द अदर साइड, बराबर ना, वेयर कॉपर गेन्स दोज इलेक्ट्रॉन एंड इट पासिस टू कॉपर आयन, सो मेटलिक कॉपर गेट्स डिपोजिटेड हियर, सो यहां वन मेटल इज डिसॉल्विंग एंड वन इज डिपोजिटिंग, करेक्ट। दिस टू सेल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ a salt bridge. So what is salt bridge and what are uses of salt bridge? The salt bridge is inverted U-shaped tube. It is filled with agar-agar gel and saturated solution of KCl. It connects to half cell, right? What it does? So it maintains electrical neutrality by transport of ions. So this can be, इस तरह के question भी past में पूछे गए, ये बहुत ही important concept है, और इसी के ऊपर से अपनी फिर electrochemical series भी उन्होंने बनाई। तो ये आपका construction working of Daniell cell है, ठीक है। अब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन देखिए, तो रिप्रेजेंटेशन करते समय हमने कैसे रिप्रेजेंट किया उसको, तो पहला हमने जिंक था अपना एनोड है ना, जिंक मेटल दैट वाज डिप्ड इन जिंक नाइट्रेट और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो सिंगल वर्टिकल लाइन डाली है, दिस सिंगल वर्टिकल लाइन विल सेपरेट टू फेजेस, मतलब एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो मेटल इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन, है ना, ये एक हाफ सेल हो गया और सिंगल सेल हाफ सेल हो गया है आपका ये जो, या सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम हो गए। उसके बाद में ये अपना सॉल्ट ब्रिज है विच इज इंडिकेटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन, है ना, इधर ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और उसके अंदर हमने मेटालिक कॉपर डिप किया था विच वाज सेपरेटेड बाय ये सिंगल वर्टिकल लाइन, इंडिकेट करती है कि दिस मेटालिक कॉपर इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और ये जो टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड। सो इस हाफ सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो जिंक, जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में बाय लिबरेटिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड to other side of cell, correct, where copper ion gains those electron and it gets transformed into copper or it gets reduced to copper, correct, ye aapka reduction half reaction hai, in dono reaction ko aap jab add karenge to what you get, net cell reaction, to is tarah ka bhi aapko cell reaction diya rahega aur puchega ki write cell reaction and calculate emf karke, is tarah ke questions puche gaye hain past mein। ab ye half cell voltage calculate kaise hota hai, ab yahan dhyan se dekhiye, bacche gadbadi kahan karte hain, मैंने आपके इसके लिए चलो लेट अस टेक सम एग्जांपल, हियर आई हैव टेकन कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, है ना, एंड यहां जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट। अभी सेम चीज को मैं देखता हूं, अब ये जो दिया दिस आर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, देखिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34 एंड जिंक का कितना है -0.76 है, तो निगेटिव जो रहेगा है ना वो कौन से साइड में रहता है हमेशा, इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा सेल को एंड कॉपर को मैंने ये यहां रखा, करेक्ट, ये देखिए तो कितना आया इधर, ये 1.1 वोल्ट आया, कैसे 1.1 वोल्ट आया, तो टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड,
लेकिन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ना, इसी का उसको उल्टा करके लेना पड़ेगा आपको। सो 0.34 माइनस माइनस ऑफ 0.76, तो 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76 विल बिकम प्लस 0.76, सो 0.34 प्लस 0.76 विल बिकम व्हाट, 1.1 वोल्ट। अब ये 1.1 वोल्ट है, मतलब ये पॉजिटिव ईएमएफ जनरेट कर रहा है, मतलब दिस सेल इज स्पॉन्टेनियस, सच टाइप ऑफ सेल एग्जिस्ट। अगर यहां इन दोनों का जो सेल पोटेंशियल है वो नेगेटिव दिखाता है, देन द सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? कोई भी सेल हमेशा पॉजिटिव करंट ही जनरेट करेगा, नेगेटिव करंट जनरेट नहीं करेगा, नेगेटिव ईएमएफ नहीं होगा, पॉजिटिव ईएमएफ ही होगा। ठीक है, अब सेम वे चलो हम दूसरा ले लेते हैं। ये मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ पे इधर कंबाइन करता हूँ 0.46, तो ये सेल भी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, इधर इसको लेते हैं 2.7 में। ठीक है, ये मैं इसको निकाल के इसकी जगह पे मैं ये लेता हूँ सपोज। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या है? निगेटिव जिसका भी ये दिया है वो हमेशा विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये ध्यान में रखना, और उसका ही ऑक्सीडेशन होगा, तो दिस विल मेक योर टास्क इजी। अब इसमें वन मोर थिंग वॉज देयर कि नर्स्ट इक्वेशन है ना, ये न्यूमेरिकल भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सेल पे पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल सैंपल होते हैं, कैसे कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस बाय पासिंग ए कांस्टेंट करंट ऑफ 12 एम्पीयर थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयंस फॉर 90 मिनट, बराबर। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस अगर आए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट एंड टाइम है ना, ये आपको दिया हुआ है 12 एम्पीयर दिया है, मतलब 12 कूलम पर ये हो गया सेकंड, हो गया 90 मिनट्स है, तो उसको आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो 90 × 60 तो 5.40 × 10³ सेकंड हो गया, करेक्ट। अब चार्ज कैलकुलेट करेंगे, तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने ऊपर से जो कैलकुलेट किया था है ना, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने ले लिया इधर I × T का, तो 6.48 × 10⁴ कूलम हो गया। अब इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 96,500 कूलम, बराबर ना, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 6.48 × 10⁴ कूलम विल बी हाउ मेनी मोल्स, तो 6.48 × 10⁴ डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम, तो ये आपका हो गया 0.762 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया, अब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमको इक्वेशन से मिलता है। इक्वेशन में कहां से मिलता है, यहां से देखिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al+3 आयन, है ना। तो इधर मोल रेशियो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम पर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1/3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर, सो 0.762 × 1/3, सो दैट विल बिकम 0.224 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये हमको मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मिला, उसको मास में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, वी विल मल्टीप्लाई दैट बाय मोलार मास, करेक्ट। तो मोलार मास विल बी ऑलरेडी गिवन टू यू, तो 0.224 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय 26.98 ग्राम पर मोल, सो दैट विल गिव यू 6.04 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये चार स्टेप के अंदर आपका ये पूरा हो जाता है। दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर जनरली आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, करेक्ट। अब नर्स्ट इक्वेशन में देखिए सेम चीज को हमने कैसे किया, पहले करंट इनटू टाइम लिया, उसको चार्ज में कैलकुलेट कर लिया कूलम में, उसको बाद में हमने फैराडे 96,500 से डिवाइड किया, तो हमको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टाइचियोमेट्री हमने है ना फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन कितने मोल्स हैं, तो अपने को मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिला, उस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को सीधा मोलार मास से मल्टीप्लाई किया, तो हमको मास ऑफ प्रोडक्ट मिल गया, ये फ्लो है। नाउ नर्स्ट इक्वेशन क्या है बेसिकली, तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन सेल ईएमएफ, नर्स्ट इक्वेशन बताता हमको। ये डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी, इस डेल्टा जी जीरो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आरटी एलएन क्यू, और ये क्यू क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। अब हियर स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ये जो आपका ई है दिस इज अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, एंड ये जो ई जीरो है वो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ है, माइनस आरटी अपॉन एनएफ इनटू एलएन क्यू। ये किस तरह से आया है वो भी हम देखेंगे। At 25 degree centigrade, E will be equals to E0 minus 0.0592 upon N into log of Q. And this equation is called as Nernst equation. अब जैसा आपका maximum work आपने calculate किया था, W max is minus 2.303 NRT log to the base 10 V2 by V1, है ना? वो W max है। Work आपका जो है, work there are several types of work. कैसा work है? जैसे एक constant pressure work है, जो आप लिखते हैं W is equals to minus P delta V. है ना, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी,
तो उसी तरह ये जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क इज माइनस एन एफ ई, दिस इज ई इज ईएमएफ ऑफ सेल, एफ इज फेराडे एंड एन इज नंबर ऑफ मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज डेल्टा जी, दिस डेल्टा जी टेल्स अस अबाउट इलेक्ट्रिकल वर्क। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। नाउ डेल्टा जी फॉर ए रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, बराबर। सो डेल्टा जी इज डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू, अब वेर क्यू इज द रिएक्शन क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा ये। अरे डेल्टा जी क्या है, लेकिन डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, तो वॉट शुड बी स्टैंडर्ड डेल्टा जी, दैट विल बी माइनस एन एफ ई ऑफ स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ सेल। क्या किया है खाली डेल्टा जी एंड डेल्टा जी जीरो में क्या फर्क है, डेल्टा जी है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन तो नॉन स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ सेल, एंड डेल्टा जी जीरो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है तो इधर स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ सेल, है ना। अब इसी चीज को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके अंदर, डेल्टा जी जी का शो डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू में, तो डेल्टा जी की जगह पे मैंने क्या लिखा माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, एंड डेल्टा जी जीरो की जगह पे क्या लिखा माइनस एन एफ ई ऑफ स्टैंडर्ड सेल एंड प्लस आर टी एल एन क्यू। अब ये जो इक्वेशन मिला है मैं क्या करूंगा, इसको इस पूरे इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूंगा पूरे को, तो अगर मैं पूरे को माइनस एन एफ से डिवाइड करता हूं तो इधर माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, इधर भी माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, इधर आर टी अपॉन माइनस एन एफ आ जाएगा, है ना। एंड दिस एक्सप्रेशन विल रिड्यूस टू ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, and this equation is nothing but Nernst equation, okay? So आपको अगर non-standard condition में दिया है और standard condition अगर आपको calculate करनी है तो R is universal gas constant, T temperature भी आपको दिया रहेगा, N आप कहाँ से calculate करेंगे, N आप balance chemical equation से calculate करेंगे, है ना, cell का जो भी equation रहेगा, and F आपका क्या है 96,500, and value of LNQ will be provided to you. So by plug and chuck you can calculate this. नाउ नेक्स्ट इज काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में भी जो है कि दो डेरिवेशन है आपको, वो दोनों डेरिवेशन आपको अच्छे से करना है, रेट एक्सप्रेशन है ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एंड उनके हाफ लाइफ के दो डेरिवेशन है छोटे छोटे, वो आप एकदम अच्छे से कीजिए। इस चैप्टर में जनरली वो लोग डिफरेंट बिटवीन मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह के या कुछ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से ऐसे पूछे जाते हैं। यूनिट है जो आपको ये पूछी जाती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस फॉर्मूला को आप लिख के ले लीजिए, एम रेस टू, एम के पावर में एम रेस टू माइनस ऑर्डर माइनस वन इंटू टी रेस टू माइनस वन। सपोज आपको पूछा है कि रेट कॉन्स्टेंट जीरो ऑर्डर का रेट कॉन्स्टेंट है ना, उसकी यूनिट क्या है, तो एम एम इज मोलारिटी, मोल्स पर डेसीमीटर के, है ना, तो मोलारिटी के पावर में क्या ले रहे हैं माइनस ऑर्डर, ऑर्डर जीरो ऑर्डर तो जीरो माइनस वन, तो माइनस ऑफ माइनस वन विल बिकम प्लस वन, है ना, इनटू टी रेस टू माइनस वन, तो एम रेस टू वन इनटू टी रेस टू वन, एम क्या है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, एंड टी रेस टू माइनस वन मतलब क्या है सेकंड में रहेगा, तो ये पर सेकंड, तो मोल रेस टू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये उसकी यूनिट हो गई। अब सेम अगर फर्स्ट ऑर्डर का आपको लेना है तो माइनस ऑर्डर माइनस वन, वन माइनस वन इज जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज वॉट वन, तो ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा आपका, तो वन इंटू टी रेस टू माइनस वन, टी रेस टू माइनस वन इज वॉट पर सेकेंड पर मिनट पर आवर जो भी उसके अंदर दिया हो, दैट विल बिकम इट्स यूनिट। सो यूजिंग दिस, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, आप किसी भी तरह का आपका ये है तो उसकी रेट कॉन्स्टेंट क्या यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, तो सबसे पहले एसिड एंड बेस की डेफिनेशन है ना, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट है, लुइस एसिड लुइस बेस की डेफिनेशन है, उसके बाद में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसको बोलते हैं, कि किसी रिएक्शन के अंदर दो टू स्पीसीज विच डिफर बाय सिंगल प्रोटॉन आर सेड टू फॉर्म ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब एक कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड। सपोज मैं खाली HCl लेता हूँ, HCl, इफ दिस HCl आयोनाइजेस व्हाट दिस विल प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस H प्लस प्लस Cl माइनस, है ना, H plus plus Cl minus, so HCl अगर एसिड है तो सेम रिवर्स रिएक्शन में Cl is gaining proton and forming HCl, so Cl minus will become conjugate base of HCl. HCl and Cl के अंदर कितने का डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का, तो एक पेयर ये हो गया एसिड वन एंड बेस वन। सेम वे आपका इधर वाटर एंड हाइड्रोनियम आयन है ना, ये दूसरा पेयर हो गया, तो ऐसा रिएक्शन रहेगा उसमें से आपको पेयर आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है। देन pH एंड pOH उसके डेफिनेशन है, एंड प्रूव दैट pH plus pOH is equal to 14 ऐसा, या फिर हाउ यू विल फाइंड आउट pH ऑफ बफर्स, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
सेम वे आपको एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है, या बफर के यूजेस, बफर के एप्लीकेशंस क्या है. देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट है, तो के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर. सपोज बी ए एस ओ फोर है, गिविंग बी ए प्लस टू प्लस एस ओ फोर माइनस टू, इफ सोल्युबिलिटी एस देन बेरियम आयन विल बी एस एंड सल्फेट आयन विल ऑल्सो बी एस. सो आई विल सब्स्टिट्यूट यूर एस एंड एस, सो एस इन टू एस इज एस स्क्वायर, सो के एस पी इज एस स्क्वायर. अगर सोल्युबिलिटी दिया है आपको तो के एस पी आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं उसका. सेम वे कि अगर इसमें तीन आयन प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका एस इसका टू एस, सो एस इन टू टू एस स्क्वायर, सो टू एस स्क्वायर इज फोर एस स्क्वायर एंड इधर एस, सो फोर एस क्यूब हो जाएगा. तो ए बी टू टाइप रहेगा, उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको कैसे मिलता है इसमें, फोर एस क्यूब. सेम वे ए टू बी थ्री टाइप का अगर आपको है, तो इसके दो आयन मिले, सो दिस इज टू एस स्क्वायर एंड दिस इज थ्री एस, थ्री एस स्क्वायर. तो आपका टू एस स्क्वायर इज फोर एस स्क्वायर हो गया एंड थ्री एस स्क्वायर इज 27, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन एस स्क्वायर, नाइन एस क्यूब हो गया. तो 9s क्यूब इनटू 4s स्क्वायर दैट विल बिकम 108 s रेस्ट टू 5. तो ab ये a टू b 3 टाइप का रहेगा, तो उसमें ksp विल बी 108 s रेस्ट टू 5 टाइम्स. तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं. थर्मोडायनामिक्स आ गया. थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स के जो डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस आपको अच्छे से करने हैं. डेरिवेशंस में व्हाट ऑल डेरिवेशंस आर देयर, w = - p डेल्टा v है. एंड देन मैक्सिमम वर्क का आपको डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 वी टू बाई वी वन और पी वन बाई पी टू, ये आपको करना है. उसके साथ में आपको एंथाल्पी का डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है आपका फॉर वेरियस प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये है इंपॉर्टेंट हो सकता है. या रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये आपको आ सकता है. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन और डेल्टा एन आर टी. देन डेफिनेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के डेफिनेशन है ना, उसके बाद में एंट्रोपी के डेफिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके. अब बाकी के जो चैप्टर्स हैं, कि एज वी आर रनिंग इन शॉर्ट ऑफ टाइम, इट्स ऑलरेडी 12 एंड वी आर हैविंग वन आवर टाइम इन हैंड. तो इस सेशन के समाप्ति के बाद में आई विल स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन हियर एंड वी विल हैव अ डिस्कशन फॉर 5 मिनट्स ऑन पार्ट 1. इफ यू हैव एनी क्वेरी then we will begin with part 2. Yes, any student is having any query? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. I have a doubt. हाँ, आपको जो भी डाउट है वो चैट बॉक्स में भी आप लिखते रहिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा सर्टेनली. और अगर आपका कॉलेज का कोई डेडिकेटेड अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हो, तो यू कैन एड माई नंबर एज एंड वेन इफ यू हैव एनी क्वेरी. इफ यू पोस्ट दैट, अगर मुझे समय रहा तो मैं सर्टेनली आई विल रिस्पॉन्ड एंड आई विल शेयर दिस स्टफ ऑल्सो. ये जो मटेरियल आपका है वो आपके जो टीचर्स हैं उसके माध्यम से मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा. होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस सेशन. यस, फ्रॉम टीचर्स. आपको सबसे पहले फटाफट मैंने जो एक सेकंड जरा अमन, मेरा लाइव सेशन चालू है, मैं एक आध घंटे के बाद में फ्री होता तो कॉल करता हूँ आपको. मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ. यस ज़ैनब मिठाई वाला, यू हैव सम डाउट, व्हाट डाउट इज देयर बेटा, यू कैन आस्क. सर, इन थर्ड चैप्टर properties of buffer solution is there or it is a reduced portion? अगर reduced portion में है, if that is in reduced portion, then you are supposed to omit it. आपको omit करना है. मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज का जो presentation मैंने create किया, it is not only for your board exam but for your entrance exam also. And therefore, मैंने पहले ही disclaimer दे दिया है कि इस presentation में अगर कोई part ऐसा है कि जो omitted portions है, तो please ignore it. If you are hello sir. हाँ हाँ madam. Hello sir. Yes. हाँ बोलिए बोलिए मैडम. यस
यस साइला मैम बोलिए, एम आई ऑडिबल? No, data enthalpies are different thing. You are not supposed to remember because any data is not expected from student. उनको याद रखना जरूरी नहीं है. Data will always be provided. आपको अगर numerical है तो numerical में वो data आपको provide किया जाएगा. Even atomic numbers भी जो है वो generally provide किए जाते हैं. How much time we should give to each section while solving paper? Okay. इसके बारे में time management का जो part है ना, that after completing the second set, अपना जो organic का part है, वो finish होने के बाद में time management कैसा किया जाए, उसके बारे में मैं 5 मिनट में briefing दूंगा. I have planned out everything. हर चीज का मैंने पहले से करके रखा है. And आप इसके बारे में बेफिक्र रहिए. मैं आज तक ऐसे हजारों मतलब स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर चुका हूं. एंड मैं जिस तरह से मैं आपके लिए सेशन कंडक्ट करता हूं, उस तरह से मैं टीचर्स को ट्रेन करने के लिए सेशन कंडक्ट करता हूं कि हाउ टू हैंडल केमिस्ट्री. तो आप जरा भी चिंता मत कीजिए. मेरे जो स्मार्ट एंड इफेक्टिव मॉड्यूल्स हैं, दैट विल हेल्प यू रिड्यूसिंग योर बर्डन एज वेल एज आपका जो समय है वो काफी कम समय में आप अच्छे से उसको कर पाएंगे. नहीं, यूज योर ब्रेन पावर. ये बाकी की सब जो चीजें हैं ना, कि अगर आप मैं इसमें देखेंगे, मैं वो भी आपको एक बता देता हूँ कि डू यू नो, इस तरह के जो इसमें दिए हुए हैं वो नॉन इवेल्युएटिव है. नॉन इवेल्युएटिव मतलब उसके अंदर से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे. और अगर गलती से उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी गया है ना, तो इफ अटेम्प्टेड मार्क्स आर रेंडर्ड जनरली है ना. सो अगर ऐसा कुछ डिसीजन है तो जो अथॉरिटीज है दे विल लुक इनटू इट. यू शुड नॉट वरी अबाउट इट. Each half reaction is necessary to remember or not. Half reaction, this is Masira Sheikh. But which half reaction you are talking about? You are talking about electrochemistry or you are talking about organic chemistry reaction? Please be specific in asking question. मसीरा, मैंने आपको पूछा, आपका क्वेश्चन है सर, ईच हाफ रिएक्शन इज नेसेसरी टू रिमेंबर और नॉट. तो यू आर टॉकिंग अबाउट विच हाफ रिएक्शन. आई विल शो यू ए स्पेशल टेक्निक कि वो रिएक्शन आप मेमोराइज कैसे करें, वो मैं आपको बताऊंगा. चलो ठीक है, मैं एक मिनट में आपको ये भी बता देता हूँ ये रिएक्शन कैसे होता है. वंस अगेन आई एम री शेयरिंग माई स्क्रीन. Hope my screen is visible to all. अब चलिए मैं आपको ये भी बता दूं. अब ये देखिए, सपोज आपको कोई रिएक्शन दिया है, कहीं आपको कोई सेल दिया है. सेल में लेट मी टेक हियर सपोज एल्यूमिनियम Al3+ एंड आपको निकल Ni2+ और निकल, ये इस तरह का दिया है.
कन्वेंशन से हमको पता है ये निगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है ना। अब मैं मेरे बच्चों को कैसे बताता हूं, मैं बोलता हूं उनको कि आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, ऐसा एक कर्व्ड एरो बनाइए लाइक दिस, फिर एक कर्व एरो ऐसा बनाइए मिकी माउस, उसके बाद में एक ऐसा बनाइए, ठीक है। अब यहां देखिए ये कर्व्ड एरो बना, इसका मतलब ये एल्यूमिनियम किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, Al प्लस थ्री में, तो पहला रिएक्शन मेरा आ जाएगा Al, है ना, एरो आ गया एंड Al थ्री प्लस। अब अपने को पता है एलिमेंट्री फॉर्म में तो जीरो है ऑक्सीडेशन स्टेट और इधर प्लस थ्री है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ जीरो से प्लस थ्री, थ्री, तो उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर लिए थ्री इलेक्ट्रॉन, ये मेरा हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये यहां से तीन इलेक्ट्रॉन आए, है ना, तो क्या हो गया Al, Al प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ ये जो निकल है, निकल इज कन्वर्टेड इंटू एन आई जीरो, तो इधर मैं लिख देता हूं एन आई टू प्लस, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है एंड इट इज कन्वर्टेड इंटू एन आई, है ना, ये मेरा हो गया रिडक्शन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, इधर तीन है और इधर दो है, तो मैं इक्वलाइज कैसे करूंगा, वेरी सिंपल, ये पूरे को इधर ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, इसको भी पूरा ब्रैकेट लगा देता हूं, और ये जो कोफिशियंट है ना, इसका कोफिशियंट दो है तो दो को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर कोफिशियंट इलेक्ट्रॉन का तीन है तो यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मेरा ये वंस अगेन वापिस हो जाएगा, इसको मैं रीराइट कर लूंगा, तो आई विल हैव ट्वाइस Al, बराबर विल गिव मी ट्वाइस Al प्लस थ्री प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन, एंड हियर थ्री टाइम्स Ni2 प्लस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन इज गिविंग मी थ्री टाइम्स Ni, ये मेरा हो गया ऑक्सीडेशन एंड ये हो गया मेरा रिडक्शन, ठीक है। और इसका इन दोनों को आप टोटल करके लिख लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये सिक्स इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हियर यू व्हाट यू विल हैव ट्वाइस Al प्लस थ्री टाइम्स Ni2 प्लस गिविंग ट्वाइस Al प्लस थ्री प्लस थ्री टाइम्स Ni। Someone has asked, in thermodynamics, हाँ डायग्राम डेरिवेशन अगर आपको है तो डायग्राम बना के अगर आप डेरिवेशन देंगे तो ज्यादा बेहतर ही रहेगा वो, है ना। एनी अदर क्वेश्चन, बाकी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं वंस अगेन आपके साथ में, मैंने ऑलरेडी इसमें चैट बॉक्स में आपको पहले भी लिंक मैंने शेयर की है, स्टार्ट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल बिकॉज द मोमेंट आई विल कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, मेरे जैसे यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरा जो गोइंग लाइव का जो फीचर है वो यूट्यूब से बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप सब लोग आज विदाउट फेलियर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब एंड नाउ द काउंट हैज रीच्ड टू 948, 948 हो गए, 52 more to go. अगर 52 सब्सक्राइबर और मिलते हैं तो आज शाम तक ही मेरा ये जो YouTube लाइव का फीचर है वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा, तो शायद हो सकता है मैं आने वाले दो दिन के अंदर ही आप लोगों को गाइडेंस के लिए बाकी के जो सेशन है वो शुरू कर दूं। पर डे एवरी डे आई विल बी लाइव फॉर 1 or 1.5 hours एंड आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल, द चैप्टर्स विल बी डिस्कस्ड एट ए लेंथ। तो मैंने लिंक ऑलरेडी आपको शेयर की है पहले भी, एक सेकंड, अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूं।
Just give me a moment. High spin or low spin are generally judged on the basis of spectrochemical series. Spectrochemical series आपने जो देखी है, चलो ठीक है, इसके बारे में अगर मुझे मिला तो मैं आपको एक बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, कौन सा लो स्पिन है. जिस तरह आपका रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में सब सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम को जो इंक्रीज ये किया गया हुआ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, EMF सीरीज बोलते हैं. तो आपका इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वो क्या करते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसके सीक्वेंस में ये सब जो आपके अरेंज किए गए हैं, है ना, तो वहां से आपको ये पता चलता है कि कौन से हाई स्पिन है और कौन से लो स्पिन है. One sec, this has gone into आपके आज के कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है. मैं वंस अगेन आई एम रीपोस्टिंग दिस एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं ये लीजिए, वंस अगेन मैंने लिंक को शेयर किया है. तो अपना ये सेशन फिनिश हो गए तब तक ये 1000 का जो फिगर है वो क्रॉस हो जाए, है ना, ऐसी हम आशा करते हैं. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ शुड वी स्टार्ट विथ पार्ट टू. यस, लिविंग वन चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री कैन स्टिल गेट गुड मार्क्स. सर्टेनली यू कैन गेट गुड मार्क्स. Certainly you can get good marks. What I said, कि आपको जो वेटेज दिया हुआ है, that is maximum 98 marks के लिए आपका पूरा पेपर सेट हो रहा है. तो आपको इंटरनल ऑप्शन तो है ही है ना, सब जगह पे इंटरनल ऑप्शन है. 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, दो दो मार्क के. तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली ऑप्शन में आ गए, ठीक है. सेम वे आपको तीन तीन मार्क के जो है 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कोई भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो 4 क्वेश्चन तीन तीन मार्क के इधर ऑप्शन में आ गए. सेम वे चार चार मार्क के 5 क्वेश्चन आपको हैं, तो उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो उधर आपको चार चार मार्क के 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में आ गए. तो 4 4 8 2 10 क्वेश्चन है ना, मतलब आपको ऑप्शन में कितने हो गए, देखो 3 चौक 12 12 और वहां से 8 20 और यहां से आपको ये 8 28 28 मार्क्स का आपको इंटरनल ऑप्शन है ही है. तो दिस 28 मार्क्स कैन बी फ्रॉम मोर देन 3 और 4 चैप्टर्स. No, from solid state, there are no 4 marks question. This question can be, see, 2 marks plus 2 marks or 3 marks plus 1 mark. Or you can have 1 marks 4 question. It depends on mood of paper setter. जिसने paper setter set किया होगा, वो उनके इस पे ये होता है. उसके बारे में आप चिंता ही मत कीजिए. आप खाली आपके preparation पे ध्यान दीजिए. So can we start with section 2? Yes, certainly we can start with section 2. Please, sir. Okay. So now here I go with part 2. Yes, sir. Yes, I'm sharing my screen. Wait for a moment. It's getting prepared. My screen is visible. Yes, sir, your screen is visible. Oh, thank you.
नाउ एज फार एज योर पार्ट टू इज कंसर्न, आपको क्या करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस, है ना. सब बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता नहीं क्यों उनको डर रहता है, लेकिन एज फार एज डोमेन ऑफ योर सिलेबस इज देयर, जनरली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नॉट मोर देन 4 कार्बन एटम चेन इज एक्सपेक्टेड. 4 कार्बन एटम की चेन तक की, तो 5, 6, 7, 8 नहीं, खाली 4 कार्बन तक मैक्सिमम, ये जनरल एक्सपेक्टेड रहता है स्टूडेंट से. तो उसमें आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन किसके, इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन, मिथेनॉल, फिनॉल, मिथॉक्सी इथेन, एनिसोल, है ना, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड, इथाइल अमाइन, फिर अरिन डाइजोनियम क्लोराइड के जो ये है, इंसर्शन ऑफ एनी डिजायरेबल फंक्शन ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग. ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से हैंड ऑन प्रैक्टिस करनी चाहिए. चलिए सपोज कि आई वांट टू स्टार्ट विद हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. ये सबसे बड़ा चैप्टर एंड सबसे बेसिक चैप्टर, सबसे एलिमेंट्री चैप्टर कंसीडर किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि हर चीज जो है वो यहां से ही जाती है. दिस इज फाउंडेशन चैप्टर. तो हेलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या, कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. सो अल्केन में हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे हेलोजन एटम रिप्लेस करते हैं, कंपाउंड विच वी गेट आर कॉल्ड एज हेलोजन डेरिवेटिव. Now, depending upon how many hydrogen atom are replaced by halogen atom, we can have monohalogen derivative, which are called as alkyl halide, dihalogen derivative, you know, trihalogen derivative, polyhalogen derivative, so on and so forth. इसके method of preparation में, अब halogen derivative of alkane है, तो alkane plus halogen सबसे पहला common method हो जाएगा. तो halogens में क्या होता है, तो halogen में chlorine है, bromine है, iodine है. तो direct chlorination, bromination और iodination will give you अल्काइल हैलाइड, दैट इज अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड. अब अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए वी आर टेकिंग अल्केन एंड प्लस हैलोजन क्लोरीन, है ना, बट इट हैज टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट बिकॉज़ द रिएक्शन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन. सेम वे ब्रोमिनेशन के लिए वी यूज AlBr3 एंड आयोडोनेशन के लिए जनरली वी यूज सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर HIO3 हाइड्रोआयोडिक एसिड. Because reaction with iodine is reversible, it produces HI. So that HI has to be removed. And how you will remove HI which is produced in the reaction? By using some oxidizing agent. Ye pehla method ho gaya. So direct halogenation of alkane. Now second is from alkene. So alkene mein alkyl halide hai. So alkene mein ek side ka double bond ke ek baju ka jo part hai, usko alkyl group mein convert karna hai. Say for example CH2 double bond CH2 hai. So CH2 ko CH3 mein convert karna hai. तो एक हाइड्रोजन लगेगा और एक साइड में हैलोजन लगेगा, तो इसका मतलब वी नीड टू ऐड वन हाइड्रोजन एंड वन हैलोजन, एंड देयरफॉर सेकंड मेथड इज हाइड्रोहैलोजिनेशन. हाइड्रोहैलोजिनेशन इज नथिंग बट HCl, HBr या HI आप ऐड करके, एंड दिस एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल. मार्कोनिकॉफ्स रूल में क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल ऑलवेज गो टू कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड इफ यू कैरी आउट सेम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सम परऑक्साइड देन रिएक्शन पैटर्न गेट्स रिवर्स्ड. That is called as anti-Markovnikov's rule. So, pehla ho gaya alkane halogenation, then alkene hydrohalogenation. Same way alcohol hydrohalogenation. So, hydrohalogenation mein alkanol. Alkanol matlab alcohol ka. So, HCl concentrated HCl and NH2 zinc chloride. That is Lucas reagent use karke hum isko kar sakte hain. Ya HBr, NaBr concentrated sulfuric acid se. Ya fir HI use karke hum kar sakte hain. Same way अल्कोहल पे फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड या फिर थायोनिल क्लोराइड, इसके एक्शन से भी हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं. अब इसमें ये PX3, PX5 एंड SOCl2, इसके जो रिएक्शन पैटर्न है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पैटर्न को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आगे भी ये पैटर्न आपको बहुत यूजफुल रहेंगे, एंड एंट्रेंस एग्जाम में भी ये काफी समय इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे 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 मल्टीपल चॉइस के टाइप में. तो मैं आपको इसके बारे में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ. नेक्स्ट इज अल्काइल हैलाइड से हेलोजन एक्सचेंज. हेलोजन एक्सचेंज में मतलब वन हैलाइड एटम इज रिप्लेस बाय अनदर हैलाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. जैसे आपने क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड से अगर ट्रीट करते हैं तो क्लोराइड या ब्रोमाइड है वो आयोडाइड से रिप्लेस हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड एज फिंकल स्टेन रिएक्शन. स्टेन STEIN मतलब IN आई किस में इन हो रहा है, अल्किल हैलाइड में, अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड में. तो क्लोराइड एंड ब्रोमाइड रिप्लेस बाय आयोडाइड इज कॉल्ड एज फिंकल स्टेन रिएक्शन. एंड सेम वे अगर आप फ्लोराइड इंसर्ट करते हैं, है ना, फ्लोराइड या ब्रोमाइड की जगह पे फ्लोराइड, तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन. सो दीज आर कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन. अब मैं आपको ये जो इसका मेथड इसका ये है ट्रिक है, वो मैं ट्रिक आपके साथ में शेयर करता हूं. एक सेकेंड.
अब यहां देखिएगा, सपोज मैंने आई हैव टेकन सम C2H5 OH, ये अल्कोहल लिया एंड प्लस आई एम टेकिंग PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. दिस Cl इज ए न्यूक्लियोफाइल और यहां जो OH है वो न्यूक्लियोफाइल है. तो आई कैन नॉट रिप्लेस वन OH, आई कैन नॉट रिप्लेस वन Cl बाय वन OH. क्यों? इसके पीछे रीजन ऐसा है कि आप यहां ये देखिए, ये PCl3 आपने लिया है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है ना. तो यहां ये जो क्लोरीन, यहां ये क्लोरीन और यहां ये क्लोरीन, दिस बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर ओनली वन कैन नॉट बी रिप्लेस. अगर आपको रिप्लेस करना है तो तीनों तीन रिप्लेस करना पड़ेगा एक साथ में, यू हैव टू रिप्लेस ऑल द थ्री. अब ऑल द थ्री अगर आपको रिप्लेस करने हैं तो आप कैसे रिप्लेस करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां ये तीन ले लेते हैं, थ्री मोल्स ले लेते हैं, मतलब नाउ आई हैव थ्री OH एंड हियर आई हैव थ्री Cl. ठीक है, क्या करना है, ये तीनों Cl को यहां ले आना है और ये OH को इधर ले आना है. तो व्हाट आई विल हैव थ्री मॉलिक्यूल ऑफ C2H5Cl एंड प्लस P, इधर मैं लेता हूँ OH, मैंने ये बाजू लाया OH थ्राइस, POH थ्राइस इज नथिंग बट H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड हो गया आपका. ठीक है, ये रिएक्शन हो गया. लेकिन अगर आप PCl5 से इसका एक्शन करते हैं, सेम चीज का C2H5OH प्लस PCl5, तो यहां पैटर्न अलग आपको देखने को मिलेगा. मैं जनरली क्या करता हूं कि PCl5 को इस तरह लेता हूं. अब ये देखिए PCl3 का, यहां मैंने ये बताया था आपको, ये तीनों नहीं ब्रेक हो सकते. ये जो ये बॉन्ड है आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दिस कैन नॉट बी ब्रोकन. लेकिन ये इक्विटोरियल जो बॉन्ड है ऊपर Cl एंड Cl है ना, ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं दिस बॉन्ड. इसके लिए दिस PCl5 मॉलिक्यूल को मैं कैसे लिखता हूं, आई विल राइट दिस Cl हियर, उसके बाद में मेरा सेंटर का PCl3 है. ठीक है, और उसके बाद में ये मेरा नीचे का जो Cl था इधर, ये Cl था. तो PCl5 का जब भी रिएक्शन रहेगा तो PCl5 को मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, कैसा, Cl PCl3 एंड Cl. सेम वे थायोनिल क्लोराइड SOCl2 भी, तो उसी को भी मैं इस पैटर्न में लिख लूंगा, Cl SO एंड Cl. अब चलिए इसका हम रिएक्शन पैटर्न देखते हैं कि हाउ दिस पैटर्न वर्क्स. अब ये PCl5 मेरा जो था, PCl5 इज क्लोरिनेटिंग एजेंट. व्हाट आई विल डू, ये मेरा जो सब्सट्रेट है अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, उसको तीन पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ. ये पहला मेरा अल्काइल पार्ट है, सेकेंड मेरा ऑक्सीजन एंड थर्ड मेरा H हो गया. तो क्लोरिनेटिंग एजेंट विल ऑलवेज सर्च फॉर OH. ओ क्लोरिनेटिंग एजेंट, जब कभी भी आप थायोनिल क्लोराइड या PCl5 से एक्शन करेंगे तो किसको सर्च करेगा, मॉलिक्यूल में O को सर्च करेगा, OH. अब मैंने जो आपको बताया था PCl5 को हमने कैसे लिखा था, दिस PCl5 आई हैव रिटन है Cl PCl3 एंड Cl. ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज करके जरा आपको बताता हूँ यहाँ से. तो व्हाट आई विल डू, ये Cl, मैं इस मॉलिक्यूल को इसके नीचे लिख देता हूँ Cl, यहाँ लिखता हूँ PCl3 एंड यहाँ लिखता हूँ Cl. अब ये देखिए तीन मेरे को प्रोडक्ट मिल गए. पहला प्रोडक्ट क्या हो गया मेरा, C2H5Cl C2H5Cl प्लस, सेकेंड मेरा क्या हो गया POCl3 POCl3 एंड थर्ड मेरा क्या हो गया HCl प्लस HCl. ठीक है, सी रिएक्शन इज वेरी इजी. सेम वे अगर इसको मैं थायोनिल क्लोराइड से ट्रीट करता हूँ SOCl2, तो SOCl2 को मैंने कैसा लिखा था, SOCl एंड Cl. तो सेम चीज को अगर मैं आगे यहाँ एक्सटेंड कर दूं, देखिए Cl SO एंड Cl, बोलिए क्या मिलेगा मेरे को इसके साथ में, तो C2H5Cl प्लस SO एंड इधर ऊपर O था, तो दिस विल गिव मी SO2 है ना, एंड ये लास्ट पार्ट है Cl एंड H, तो दिस विल गिव मी HCl. तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में तो निकल जाती है सीधा, तो इसका थोड़ा सा एडवांटेज है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाल्सन्स रिएक्शन. अब देखिए PCl5 का जो एक्शन पैटर्न था उसको हम अलग अलग जगह पे ट्राई करते हैं. चलिए बताइए, ये पहले यहां मैंने लिया C2H5OH है ना, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैंने इसको कैसा लिखा था इधर, बताइए मेरे को, Cl
KCl3 NCl इस तरह से किया था. So this I am having C2H5Cl plus POCl3 and plus HCl. वॉटर के ऊपर PCl5 का एक्शन सेम स्टाइल में आपको लेना है. क्या करेंगे बोलिए. यहां पहला तो दिस विल गिव यू HCl प्लस POCl3 प्लस HCl, मतलब यू आर हैविंग टू मोल्स ऑफ HCl. इसको अगर करना है एसिटिक एसिड पे तो कैसा करेंगे, OH जो OH पार्ट है ना उसको एक साइड में लेने का, एक O एक पार्ट H और बाकी का रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द पार्ट. इसको भी ऐसा कीजिए तो सेम वे क्या आएगा आपका इधर बोलिए, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एक पार्ट था सी एल प्लस पी ओ सी एल थ्री प्लस एच सी एल. ठीक है, सेम वे पी सी एल फाइव का सल्फ्यूरिक एसिड. अब सल्फ्यूरिक एसिड को यू कैन राइट एज एच ओ एस ओ टू ओ एच. अब तो ये जो ओ एच है इस ओ एच का एच एक पार्ट हो गया, ओ एक पार्ट हो गया एंड बाकी का ये जो पोर्शन है ये एक पार्ट हो गया आपका. ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपका बोलिए, दिस विल बी एच ओ एस ओ टू सी एल प्लस बताइए पी ओ सी एल थ्री एंड प्लस एच सी एल. सेम वे अभी इसको आगे फर्दर में एक्शन लेता हूँ, सी एल एस ओ टू ओ एच है ना, उसमें फिर सेकेंड मोल ऑफ पी सी एल फाइव, तो इधर से वापिस इसको स्प्लिट कर लीजिए. So this will give you Cl SO2 Cl plus PO Cl3 plus HCl. Okay. Same way, a cyclobutyl chloride, butyl alcohol है ना, cyclobutyl alcohol. तो इसको भी कैसा करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. ये जो cyclobutane था इसके साथ में Cl cyclobutyl chloride हो गया plus PO Cl3 plus HCl. So, ये पैटर्न अगर आपके दिमाग में रहा PCl5 का तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी काफी जगह पे एक्शन ऑफ PCl5 ऑन वेरियस सबस्ट्रेट हमेशा आपको ये पूछा जाता है. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये रिएक्शन पैटर्न मैंने आपको बताया. अब हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ये आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप ये पेज नंबर 220 पे आपको ये जो रिएक्शंस दिए हैं ये ऑल रिएक्शन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन यू कैन कंप्लीट इन 5 मिनट्स. आपके 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे. कैसे देखिए, तो सबसे पहले आप लिखिए सी ए एस ई केस, ये वर्ड याद रखिए है ना, और चार कॉलम बना लीजिए. पहले कॉलम के ऊपर लिखिए सी, सेकेंड कॉलम के ऊपर ए, थर्ड के ऊपर एस एंड फोर्थ के ऊपर ई. सी स्टैंड्स फॉर कंडेंसेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड ई स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन. अब आपको खाली तीन ही तरह के रिएक्शन याद रखने हैं, तीन ही रिएजेंट के रिएक्शन याद रखने हैं, बाकी के तो ऑटोमेटिक आपको बाय हार्ट हो जाएंगे. तो कंडेंसेशन एंड एडिशन ये हमेशा मेटल देते हैं. मेटल में जैसे फर्स्ट ग्रुप का अगर आपने मेटल लिया सोडियम लिया तो इट इज हाईली रिएक्टिव एंड देयरफॉर वी नीड इनर्ट एटमॉस्फेयर, सो वी यूज ड्राई ईथर है ना. ईथर फ्री फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड एज ड्राई ईथर. एक्चुअली विलियमसन सिंथेसिस में जब भी इथर हम बनाते तो ट्रेसेस ऑफ वाटर आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर, बट दिस ट्रेसेस ऑफ वाटर आर वेरी डेंजरस, पर्टिकुलरली इफ यू आर टेकिंग सम रिएक्शन विद मेटल. मेटल है ना, सोडियम तो पानी में भी आग लगा देता है, तो रिएक्शन विल बिकम वॉयलेंट एंड देयरफॉर इट इज इसेंशियल टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम इथर, और उसके लिए उन्होंने उधर ड्राई इथर लिखा है. नाउ सम ऑफ द टाइम जो एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो क्या करता है, एरो पे कंडीशन लिखते समय खाली इथर लिख के जाता है. तो उस समय मॉडरेटर या चीफ मॉडरेटर अगर ये रहेगा तो सीधा उसके ऊपर सर्कल करेगा और उसका आधा मार्क डिडक्ट कर देगा है ना. तो इथर ड्राई इथर होना चाहिए. ये छोटी छोटी चीजें लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए. सेकंड मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई इथर एंड थर्ड अल्कोहलिक KOH. अब नाउ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जैसे सपोज साबुन के दाने हैं छोटे छोटे. अब आपको उसका सोल्यूशन बनाना है तो यू कैन मेक सोल्यूशन टू वेज. सोप सोल्यूशन दो तरीके से बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, या तो आप पानी में उसको डिजोल्व कीजिए, पानी में डिजोल्व करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्वस KOH. एंड अगर आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल में उसको डिजोल्व किया इथाइल अल्कोहल में, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अल्कोहलिक KOH. लेकिन ये वाटर में डिजोल्व किया हुआ KOH एंड अल्कोहल में डिजोल्व किया हुआ KOH, इन दोनों के रिएक्शन पैटर्न्स आर डिफरेंट. वाटर में डिजोल्व किया रहेगा उसको बोलेंगे एक्वस KOH, तो इट विल गिव यू हाइड्रोलिसिस. ठीक है, means hydrolysis. Lysis means breaking. Breaking something using water is called as hydrolysis.
breaking something using current is called as electrolysis, breaking something using heat is called as thermolysis. ये हमेशा ध्यान में रखिए. तो एंड आपका अल्कोहलिक KOH है, इट विल गिव यू एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है अकॉर्डिंग टू सैडजर्स रूल. हम डिस्कस करेंगे इसको, चिंता मत कीजिए. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेटल का. तो लेट मी टेक टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड RX plus RX एंड आई विल ट्रीट दैट विद सोडियम मेटल. ऑन द एरो आई हैव रिटन ड्राई ईथर. अब यहाँ जो अल्काइल ग्रुप है R एंड R, दिस R एंड R विल गेट कंडेंस्ड. ये दोनों कंडेंस हो जाएंगे, है ना. एंड इट विल प्रोड्यूस R-R. मतलब क्या हो गया कि इट हैज प्रोड्यूस्ड अ हायर अल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम. एंड ये जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, दिस अल्केन इज सिमेट्रिकल अल्केन, ये ध्यान में रखिए. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वर्ड्स रिएक्शन. अब अगर मैं RX की जगह पे AR मतलब बेंजीन रिंग अटैच टू X कर दूं, ARX, है ना, देन आई विल गेट हियर AR-AR जिसको हम बाईफिन बोलेंगे. तो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज फिटिक्स रिएक्शन. अब एक मॉलिक्यूल RX लूंगा, एक मॉलिक्यूल ARX लूंगा, देन आई विल गेट ARR, है ना, अल्काइल बेंजीन मुझे मिलेगा. दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज वर्ड्स फिटिक रिएक्शन. सो देखिए इस कंडेंसेशन में हमको तीन तीन नेम रिएक्शन हो गए, वर्ड्स रिएक्शन हो गया, फिटिक रिएक्शन हो गया, एंड वर्ड्स फिटिक रिएक्शन हो गया. वेरी सिंपल. नाउ सेकंड, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर. अब ये मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर जो लिया है तो इट विल गिव मी RMGX. RMGX इज कॉल्ड एज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. This is very important reagent. What is action of alkyl magnesium halide on dry ice? What is action of alkyl magnesium halide on formaldehyde, on acetaldehyde, on acetone? ये जो है अच्छे से master करना, क्योंकि regularly in past इसके ऊपर एक questions board में पूछे गए, है ना. Grignard reagent के 6 या 7 reaction है, उसमें से 2 reaction या 3 reaction exam में आते ही आते हमेशा, ठीक है. ये हो गया second. थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन. अब मैंने यहाँ अल्काइल हैलाइड लिया, सपोज 2 कार्बन एटम का अल्काइल हैलाइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया. आप यहाँ देख रहे हैं ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन जिस कार्बन को अटैच है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं. तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों रिमूव होते हैं इफ यू ट्रीट अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH. तो हाइड्रोजन एंड हैलोजन एलिमिनेट हो गए, इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, डी हाइड्रोहेलोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हेलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम. सो एडजेसेंट कार्बन एटम से ये जो रिमूव होते हैं तो इट विल फॉर्म एन अल्कीन, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा. एंड दिस अल्कीन इज ऑलवेज फॉर्म विथ मोर सब्स्टिट्यूटेड, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्किल बनेगी, है ना. एंड दिस रूल है ना, प्रिफर अल्कीन विथ more number of alkyl group on double bonded carbon. This rule is called as Sedzef rule. So Sedzef rule ke accordance mein highly substituted alkene banegi. To ye ho gaya aapka elimination reaction. To aapko khali ye teen reaction ke sodium ke sath mein kya action hai, magnesium ke sath mein kya action hai, alcoholic KOH ke sath mein kya hai, ye teen khali dhyan mein rakhna hai. Ab baki ke aapke jo reagent hai, dekhiye kon kon se hai. Ek aqueous KOH hai, phir silver oxide suspended in water hai, that is moist silver oxide jisko hum silver hydroxide bhi bolte hain. फिर अल्कोहलिक KCN है, फिर अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड है, अल्कोहलिक अमोनिया है ना, उसके बाद में आपका सोडियम इथॉक्साइड है, उसके बाद में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है या सोडियम आयोडाइड है. अब ये सब जो रिएजेंट है, ये सब रिएजेंट आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं कि रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल सब्सट्रेट के न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा. मीन्स यू आर रिप्लेसिंग एक्स ऑफ RX by OH using KOH AgOH. You are replacing X by CN using KCN. You are replacing X by NC using silver cyanide. है ना? इसको isocyanide भी बोलेंगे. Ammonia जब भी रहेगा तो rather than writing ammonia, you write HNH2. है ना? तो ये NH2 है वो substitute करेगा X को. इधर आपका जो OR है, alkoxy group, वो substitute करेगा X को. इधर आपका RCOO है, वो substitute करेगा X को. ठीक है ना? इधर आपका जो आई है वो सब्स्टिट्यूट करेगा. अभी ये जो रिएक्शंस है, सब रिएक्शन टोटल 7 या 8 रिएक्शन है, पेज नंबर 220 पे दिए आपको. ये देखिए लाइक दिस, सी हियर, एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड बाय OH, है ना, न्यूक्लियोफाइल OH सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल X, तो यू विल गेट ROH प्लस NaX. इधर आपका NaOR था तो X विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय आपका OR, सो यू विल गेट ROR ईथर. दिस इज विलियमसन सिंथेसिस.
या आपका इथर का प्रिपरेशन हो गया, देन आरएक्स सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में आपको ये COR COO सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक्स की जगह पे, तो यू विल गेट एस्टर, ये एस्टर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। सेम वे अमोनिया NH3 को यू कैन राइट एज HNH2, तो एक्स विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय NH2, यू विल गेट RNH2, यू विल गेट प्राइमरी अमाइन, अमाइन का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। सेम वे KCN के साथ में साइनाइड, सिल्वर साइनाइड के साथ में आइसोसाइनाइड, सो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड हो गया। उसके बाद में RX सब्स्टिट्यूटेड बाय इधर NO, तो अल्काइल नाइट्रेट हो गया, है ना, और ये आपका नाइट्रो अल्केन हो गया। दिस टाइम उन्होंने नाइट्रो कंपाउंड का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अर्लियर सिलेबस के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नाइट्रो डेरिवेटिव एंड अमाइंस बोथ वर देयर, लेकिन आपका जो रिवाइज सिलेबस है इसके अंदर ओनली अमाइंस आ गया। सो ये सब आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पेज नंबर 222 पे दिए। अब आप मेरे को बताइए ये सब टोटल रिएक्शन आपको कितना समय लगा, तीन रिएक्शन यहाँ के कंडेंसेशन के, वर्ड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, तीन ये एक मैग्नीशियम एंड ड्राई था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चार अल्कोहलिक केओएच के साथ में ये, पांच फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 रिएक्शन, ये 13 रिएक्शन आपको तैयार करने में 10 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। तो टोटल ऊपर ऊपर की तौर से अगर मैं बताऊं आपको, तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन 15-20 मिनट, एंड ये जो रिएक्शन है 15-20 मिनट, मतलब आधे घंटे में आपके सब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आप कवर कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यह है कि आप चार्ट्स बना दीजिए, है ना, यू मेक चार्ट, इस तरह के चार्ट बनाइए कि रिएजेंट्स और इसका, तो आपको ये सचमुच बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा स्टडी करना, और आपका काम फास्ट हो जाएगा थोड़ा। अब उसके बाद में हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर वाले जो रिएक्शन शो करेंगे। अब ये देखिए अमाइंस का मैंने लिया है ना एक, अब इसमें बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेट होते रहते हैं, मतलब डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होते रहता है ऑल्टरनेट, करेक्ट। अगर कोई ग्रुप इप्सो पोजिशन पे बैठा है और वो अपने इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन रिंग में भेजे, तो बेंजीन रिंग डिस्टेबलाइज हो जाएगी ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए करके, तो क्या होगा कि ये रेजोनेंस अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होते जाएंगे, वो शिफ्टिंग कहाँ होती है, यहाँ हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो सर पे बैठा है इसको हम इप्सो बोलते हैं, कार्बन एटम नंबर 1, उसके बाद में ये कार्बन एटम नंबर 2 है, आप अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे, और अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन एटम नंबर 2 है, अगर ये कार्बन एटम 2 लिया तो दिस कार्बन एटम विल बिकम कार्बन एटम नंबर 6, है ना। तो नंबरिंग पहले एक साइड से करिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, और यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज पोजिशन नंबर 2 एंड दिस इज पोजिशन नंबर 6 और वाइस वर्सा, दिस इज पोजिशन नंबर 3 एंड पोजिशन नंबर 5 और वाइस वर्सा, एंड दिस इज पोजिशन नंबर 4। तो अपना जो चार्ज है, निगेटिव चार्ज जो आता है वो कहाँ कौन से कार्बन पे आता है, देखिए कार्बन एटम नंबर 2 पे आया, ठीक है, उसके बाद में वो चार्ज सीधा डीलोकलाइज होके नंबर 4 पे जाएगा, उसके बाद में वो डीलोकलाइज होके कहाँ जाता है, नंबर 6 पे जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन कार्बन एटम नंबर 2, कार्बन एटम नंबर 4 एंड कार्बन एटम नंबर 6। अब वहां इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और कोई ऐसी चीज आती है इसके पास में कि जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कौन सी जगह पे अटैक करेगी, बट नेचुरल जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हो, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करता है, पोजीशन नंबर 2 पे, पोजीशन नंबर 4 पे या पोजीशन नंबर 6 पे, 2, 4 या 6 पे, है ना। तो पोजीशन नंबर 2 एंड 4 आर कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन, 3 एंड 5 आर कॉल्ड एज मेटा पोजीशन, एंड 4 इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन। तो 2 4 एंड 6 इसको हम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया, तो तकरीबन 16 रिएक्शन आपके सिलेबस में है, टोटल 16 रिएक्शन जो आप 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे आपके, और ये जो 16 रिएक्शन है तीन अलग अलग चैप्टर्स में दिए गए, है ना। तो आपको अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो उसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करके लॉजिक लगाइए, तो आपके तीनों तीन चैप्टर के सब रिएक्शन आप 10 मिनट में खत्म कर लेंगे। अब सेम वे ये फिनॉल का देखिए, तो फिनॉल में भी सपोज कोई बेस आता है, हाइड्रोजन को खींच के लिए जाता है, तो ये फिनोक्साइड आयन बन गया। अब ये फिनोक्साइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में ढकेल रहा है, तो ये चार्ज कौन से पोजीशन पे डीलोकलाइज हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 6 के ऊपर, है ना वापस। तो इसका मतलब जब कभी भी OH फिनॉल, अगर OH यहां है इप्सो पोजीशन पे, है ना,
OH अगर यहाँ बैठा है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ कहाँ डायरेक्ट करेगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भेजेगा, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 या पोजीशन नंबर 6 के ऊपर। तो इलेक्ट्रोफाइल आइदर 2 पे अटैच होगा, आइदर 4 पे अटैच होगा या 6 पे अटैच होगा, है ना। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज ऑर्थो एंड पैरा टाइप ऑफ रिएक्शन। अब मेटा डायरेक्टर रिएक्शन क्या होते हैं? अब इधर ये OH है, ये OH अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग तक जाए ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, तो इस OH के आगे मैं किसी चीज को और खड़ा कर दूंगा कि जो इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और वो चीज क्या है, कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड O। तो OH के आगे अगर मैंने सी डबल बॉन्ड O लगा दिया, देन इट विल बिकम COOH, COOH बन गया, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, इधर मेटा पोजिशन पे, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किधर अटैच हो जाएगा, इधर मेटा पे अटैच हो जाएगा। तो आपके पूरे एंटायर सिलेबस में मेटा डायरेक्टिंग रिएक्शन दो या तीन ही है खाली, वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके अंदर मिलेंगे, बाकी के जहां भी आपको है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। चलिए लेट अस सी दिस रिएक्शन। अब ये देखिए, पहले आपका इधर सीएल लिया था मैंने, है ना, क्लोरोबेंजीन लिया। अब पहले मैं फ्रीडलक्राफ रिएक्शन ले लेता हूँ, फ्रीडलक्राफ अल्किलेशन एंड फ्रीडलक्राफ एसाइलेशन। फ्रीडलक्राफ अल्किलेशन क्या है, तो फ्रीडलक्राफ अल्किलेशन में इंसर्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 इज कॉल्ड एज फ्रीडलक्राफ अल्किलेशन रिएक्शन। अब इधर ये जो सीएल है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, तो इसमें CH3Cl में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, वेरी सिंपल, एक काम कीजिए इसको बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना। तो Cl नेगेटिव है तो CH3 विल बी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 इज पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 इज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो वेयर दिस इलेक्ट्रोफाइल विल गो, इलेक्ट्रोफाइल विल गो ऑन ऑर्थो पोजिशन और इट विल गो ऑन पैरा पोजिशन। तो एक मॉलिक्यूल में ऑर्थो पोजिशन पे आया, एक मॉलिक्यूल में पैरा पोजिशन पे आया। अच्छा, अभी इसमें ये दोनों जो है आपके, है ना, नजदीक नजदीक है, इसके लिए ये जो है दिस विल बिकम माइनर प्रोडक्ट, ये जितना दूर रहेगा उतना मेजर प्रोडक्ट होगा। सो आपका ये जो पैरा पोजिशन में जो है ना, ये दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, हमेशा हमेशा पैरा पोजिशन में अगर रहेगा तो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। सेम वे एसाइलेशन में, तो एसाइलेशन में वापस इसको यहाँ CH3COCl है तो यहाँ से माइनस डिवाइड कर दीजिए, तो COCH3 विल बिकम पॉजिटिवली पार्ट, तो COCH3 इज योर इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑन ऑर्थो पोजिशन, इलेक्ट्रोफाइल ऑन पैरा पोजिशन। सेम वे नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड जब यूज करेंगे तो नाइट्रिक एसिड को HONO2 लिखिए, HONO2, तो NO2 इज इलेक्ट्रोफाइल, तो NO2 ऑन ऑर्थो पोजिशन, NO2 ऑन पैरा पोजिशन। सेम वे सल्फोनेशन ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, हिट जब करेंगे तो HOSO3H, तो HO नेगेटिव पार्ट हो गया, SO3H पॉजिटिव पार्ट हो गया, तो SO3H ऑन ऑर्थो पोजिशन, SO3H ऑन पैरा पोजिशन। अब मुझे बताइए, ये आपने आरिल हैलाइड के रिएक्शन किए, अगर मैं यहाँ Cl की जगह पे OH रख दूं तो क्या होगा, पैटर्न सेम, खाली जहां जहां Cl है उसकी जगह पे आपको OH रख देना है, सेम रिएक्शन। अगर सेम रिएक्शन मुझे ईथर्स के साथ में करने है ना, इधर मैंने OH रखा था तो मैं OH का H हटा के उसकी जगह पे CH3 हटा दे, अटैच कर देता हूं, तो दिस विल बिकम बेंजीन रिंग अटैच टू OCH3, बराबर, तो आपका ईथर हो गया ना। क्या करेंगे इधर, खाली OCH3, तो आपके ईथर के रिएक्शन हो गए। देखिए सेम पैटर्न, ये देख लीजिए OH, ठीक है, कहाँ आया, ऑर्थो पोजिशन पैरा पोजिशन पे, नाइट्रिक एसिड के साथ में ऑर्थो एंड पैरा पे, है ना, एसाइलेशन में ऑर्थो एंड पैरा पे। अब इसके अंदर ब्रोमीन इन CH2 एंड ब्रोमीन, दो तरह के पैटर्न, कौन से दो तरह के पैटर्न, कि अगर रिएक्शन स्लो है ना, तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देगा, लेकिन अगर रिएक्शन फास्ट एंड जो अपना रिएजेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्विस ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन वाटर है, इधर ब्रोमीन इन CH2, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इसके लिए आपको ऑर्थो एंड पैरा मिल रहा है, लेकिन लिक्विड ब्रोमीन अगर आपने लिया, बरोबर, तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, तो ये भी ऑर्थो पोजिशन है, ये भी, ये आपके ये ऑर्थो पोजिशन 2 एंड 4 है, 2 एंड 6 है एंड पैरा पोजिशन 4 है, तो सब ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, तो वी विल हैव 2, 4 एंड 6 इन तीनों पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल, एंड आई विल हैव 2, 4, 6 राइब्रोमोफिनोल, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। सेम वे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर लिया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया तो ऑर्थो एंड पैरा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर लूंगा तो तीनों तीन पोजिशन पे NO2, 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 दैट इज 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो आप रिएजेंट जब रिएक्ट कर रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि रिएजेंट
डाइल्यूट है या रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड है। एकदम कॉन्सेंट्रेटेड अगर होगा देन 2,4,6 इस तरह के प्रोडक्ट देगा, एंड डाइल्यूट अगर होगा देन ऑर्थो एंड पैरा टाइप के देगा। सच काइंड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मींस इलेक्ट्रोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड। यहां हाइड्रोजन था, ये जहां से ये निकला ऑर्थो पोजीशन पे, यहां का हाइड्रोजन है ना वो इलेक्ट्रोफाइल है, H प्लस आयन, वो रिप्लेस हो गया किससे, आपके Br इलेक्ट्रोफाइल से। सेम वे यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किससे, Br से। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये फिनॉल के साथ में, चलो ईथर के साथ में देखते हैं। अभी ये लीजिए, ये ईथर के साथ में ले लिया OCH3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड। देखो ऑर्थो पोजिशन पे NO2 एंड ऑर्थो पोजिशन पैरा पोजिशन पे NO2, सल्फोनेशन में ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, क्लोरिनेशन में ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, अल्किलेशन में ऑर्थो एंड पैरा, सेम वे एसाइलेशन में भी ऑर्थो एंड पैरा होगा। तो ये सब रिएक्शन। अब इसमें ट्रिक क्या है देख लीजिए। अब आपके ये मैंने पेज नंबर्स भी आपको यहाँ मार्कअप दे दिया है। पेज नंबर 228 हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, पेज नंबर 247 में फिनॉल्स, पेज नंबर 251 आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, आपकी जो टेक्स्ट बुक है बोर्ड की उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें पेज नंबर 251 पे ईथर्स में है ना, क्या किया है मैंने, ये रिएक्शन दिया है क्लोरिनेशन अल्किलेशन एसाइलेशन नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। क्लोरिनेशन में Cl2 है ना, तो ये ग्रीन कलर में Cl-Cl, एक Cl निगेटिव एक Cl पॉजिटिव, बरोबर। तो जो ग्रीन कलर का ग्रुप है एक यहाँ, एक बार यहाँ रखना है, एक बार यहाँ रखना है ना, CH3 एक बार यहाँ रखना है, एक बार यहाँ रखना है, COCH3 एक बार यहाँ रखना है, एक बार यहाँ रखना है, NO2 एक बार यहाँ रखना है, एक बार यहाँ रखना है, SO3H एक बार यहाँ रखना है, एक बार यहाँ रखना है। अब ये Cl था, Cl की जगह पे यू कैन पुट OH, Cl की जगह पे यू कैन पुट OCH3, तो आपके ये सब रिएक्शन अच्छी तरह से मास्टर हो जाएंगे। अब मेटा डायरेक्टर में देख लिए, क्या किया मैंने, OH के आगे मैंने CO लिख दिया, तो अब ये 2,4,6 पे नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा, आइदर 3 पे या 5 पे। इसके लिए आई हैव हियर मेटा पोजीशन पे NO2, मेटा पोजीशन पे Br एंड मेटा पोजीशन पे SO3H। सो COOH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टर, आ गया ध्यान में। अब यहाँ एक शानदार टिप आपको देता हूं, जो भी आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है ना, उसका आप एसिड डेरिवेटिव बना दीजिए। एसिड डेरिवेटिव मतलब क्या, उसके आगे सी डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए, जैसे OH था तो उसके आगे सी डबल बॉन्ड ओ लगा है तो आपका ये बन गया। Cl अगर आपने लिया उसके आगे सी डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए तो मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। NH2 है तो उसके आगे सी डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए तो मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर एंड मेटा डायरेक्टर, इसके बीच में डिस्टिंग्विश करना एकदम आसान हो जाएगा। अब इसके बाद में जो रिएक्शन है वो अरीन डाइजोनियम क्लोराइड के हैं। अरीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन रिंग है ना, वो बहुत नटखट है, वो अपने अंदर किसी को भी एंटर नहीं होने देती है, तो दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप जब भी उसके अंदर ड्रॉप करना हो तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए क्या करते हैं कि पहले एक सॉल्ट तैयार कर लेते हैं, अरीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाते हैं, और सॉल्ट बनाने के बाद में ना उस सॉल्ट के अंदर आप इजीली कोई भी ग्रुप को इंसर्ट कर सकते हैं। दिस रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इफ यू आर इंसर्टिंग एफ क्लोराइड है ना, अब मैं ये एफ है, जनरली जेंडर में मेल के लिए हम एम, फीमेल के लिए एफ यूज करते हैं है ना, फीमेल के लिए एफ यूज करते हैं, एंड फीमेल को जब कभी भी हम ये करते हैं तो उसको वी से शी, SHE। तो वेन एवर, मैं इसको इस तरह से लॉजिकली याद रखिए कि इफ यू आर इंसर्टिंग फीमेल है ना, देन दैट रिएक्शन इज शीमेन रिएक्शन। तो इंसर्शन ऑफ फ्लोरीन इन बेंजीन रिंग इज शीमेन रिएक्शन, बाल शीमेन रिएक्शन, ठीक है। एंड इंसर्शन ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड एंड साइनाइड, वो सैंडमेयर रिएक्शन है आपके, बरोबर ना। तो कॉपर सॉल्ट के प्रेजेंस में आप यूज करते हैं उसको, जैसे CuCl, CuBr या CuCn के प्रेजेंस में, तो दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड अ सैंडमेयर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आपका प्राइमरी अमाइन था, उसको वी हैव ट्रीटेड दैट विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कैसे बनता, NaNO2 एंड HCl। इन अर्लियर डेज में ये एक टेस्ट आता था, डिस्टिंक्शन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन यूजिंग नाइट्रस एसिड, NaNO2 प्लस HCl। तो NaNO2 प्लस HCl विल गिव यू HNO2, that is nitrous acid, and HNO2 को मैं HONO ऐसा लिखता था, and same जैसा हमने PCl5 का reaction किया था ना, वैसे ही मैं HONO को HO एक part, N एक part, and O एक part, और उसके बाद में primary amine के नीचे लगा दो, तीन टुकड़ों में उसको divide कर दो, क्या आपको तीन product मिल जाएंगे, very simple हो जाएगा आपका काम। तो यहाँ से we get N2Cl, है ना, ये arine diazonium chloride है। अब इसमें ये जो N2 will be evolved in the form of आपका nitrogen gas, ये CLH के साथ में निकल जाएगा HCl, और जो भी ग्रुप आपको इंसर्ट करना है वो आ जाएगा। अब इधर फ्लोरीन इंसर्ट किया तो मेरा बाल शीमेन रिएक्शन हो गया, इंसर्शन ऑफ फ्लोरीन।
क्लोराइड ब्रोमाइड एंड साइनाइड है ना, ये सैंडवेयर रिएक्शन हो गया, आयोडाइड ओएच एन ये, तो ये होता कैसे है देखिए, एंड व्हाट रिएजेंट डू वी यूज। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये अरिन डायजोनियम क्लोराइड बना, इस अरिन डायजोनियम क्लोराइड में इस तरह से पहला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन साइनाइड ओएच एन एच है ना। अब मेरे को रिएजेंट याद करना एकदम आसान है, कैसे, ये एफ है तो एच बी एफ फोर, ठीक है, सी यू सी एल, सी यू बी आर है ना, सी यू सी एल के आई, इधर फॉस्फोरिक, इधर एच थ्री ओ हाइड्रोनियम आयन एंड इधर आपका एच थ्री पी ओ। देखिए कितना काम आसान हो गया, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, एच बी एफ फोर ठीक है, सी यू सी एल सेंड में रिएक्शन हो गया, सी यू बी आर सेंड में रिएक्शन हो गया, सी यू सी एन सेंड में रिएक्शन हो गया, के आई एच थ्री ओ एंड एच थ्री पी ओ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन आपके ये यहाँ मास्टर हो गए। अब नेम रिएक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, विलियमसन सिंथेसिस है, देन वर्ड्स रिएक्शन है हमने डिस्कस किया, सैंडमेयर रिएक्शन हमने डिस्कस किया, फिटिक रिएक्शन डिस्कस किया, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन हमने किया, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन हमने अल्किलेशन एंड एसाइलेशन डिस्कस किया, एलिमिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो देखिए इतने रिएक्शन तो आज ही आपके तैयार हो गए, अल्कोहल एंड फिनॉल में कोलबेज रिएक्शन रिमर टीमन है, फिर अल्डिहाइड एंड कीटन में गटरमैन कोच सिंथेसिस है, स्टीफन रोजनमैन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, पिनाकोल वुल्फ किशनर रिडक्शन, कैनिजुलोस रिएक्शन, इटार्ड हेल वोलार्ड वोलार्ड जेलेंस्की, अल्डोल कंडेंसेशन, शिप बेस्ड टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलरेंस रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो इस रिएक्शन को अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में एग्जिस्टिव इथिलेशन है, एलिमिनेशन है, कार्बिलामाइन रिएक्शन है, टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइन आपका जो होता है विच गिव स्ट्रॉन्गली डिसएग्रीबल स्मेल। देन हॉपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, मेंडियस रिएक्शन है, एंड रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ये हमने ऑलरेडी अभी कवर किए। उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक ए ब्लॉक ए मेटोलॉजी तो अभी इन्होंने रेडियो सिलेबस में रखा है, एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 16, 17 and 18 इसके सर्टन थिंग्स आर देयर। अच्छा अब और इंपॉर्टेंट रिएक्शन में अल्डिहाइड एंड कीटोन से ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शन है वो आपको एकदम अच्छे से, इसमें मेथडोलॉजी है क्या करना है आपको, जो अल्काइल ग्रुप है सीधा डायरेक्टली कार्बन पे लेके आने का, और रिमेनिंग पार्ट एमजीएक्स है वो के साथ में अटैच कर देने का, तो यू विल गेट अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में हाइड्रोलिसिस कीजिए तो एमजीएक्स पार्ट विल गो अवे विथ ओएच, तो आपको एमजीएक्स ओएच मिलेगा और एंड दिस ओ विल बी कन्वर्टेड इनटू एच, तो यू विल गेट अल्कोहल है ना। तो इसमें ये स्टेप अप रिएक्शन है, स्टेप अप रिएक्शन किसको बोलते हैं, कि जनरली जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है उससे एक कार्बन ज्यादा का हमको प्रोडक्ट मिलता है, एंड स्टेप डाउन रिएक्शन किसको बोलेंगे कि जिसके अंदर हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा एक कार्बन एटम का कम मिलता है। स्टेप डाउन में अपने हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है ना, वो एक कार्बन एटम कम का अपने को प्रोडक्ट देता है। तो स्टेप अप रिएक्शन कौन से, स्टेप डाउन रिएक्शन कौन से, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और सिंपल सी चीज मैं एक बोलता हूँ कि सपोज CH3Mg इधर BR आपको दिया है, तो अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन ये दो चीज आप ध्यान में रखिए, आपका ये जो सबस्ट्रेट है कार्बन पे आप अल्काइल ग्रुप छोड़ दीजिए और हाइड्रोजन इधर ओ के साथ में छोड़ दीजिए, उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट व्हेन यू आर डूइंग रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बिकम वेरी इजी। अच्छा अगर दो टाइम डबल बॉन्ड ओ है तो एक टाइम का जो ओ है उसको ओ को ओ एच में कन्वर्ट कर दीजिए और सेकेंड जो ओ है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो दैट विल टर्न इंटू एसिड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये इस तरह के जो टिप्स है मैं मेरे चैनल के थ्रू मैं वंस अगेन आपको ये करने की कोशिश करूंगा। अब एक कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप देख लेगा सी डबल बॉन्ड हो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप, तो आपका अल्डिहाइड हो गया CHO है ना। उसके बाद में कार्बोनिल ग्रुप है तो आपका कीटोन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये डेरिवेटिव है, देखिए किस तरह से डेरिवेटिव होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हो गया आपका, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद में आपका एसाइल हैलाइड हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। उसके बाद में आपका अमाइड हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है। उसके बाद में आपका ये एनहाइड्राइड हो गया सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी ओ टू, तो इसके लिए ये लोग जब भी देते हैं तो उसको सी टू ओ थ्री इस तरह से देते हो, है ना, दिस इज एसिड एनहाइड्रेट। और ये आपका हो गया एस्टर है ना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, तो ऑल दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड। अभी इसके अंदर ये सी डबल बॉन्ड ओ है ना, ये एकदम प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। अब आप मेरे को बोलेंगे ना सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, अब सपोज कि आपके डिवीजन में रिया नाम की कोई लड़की है ना, एक रिया है वो खान है,
एक रिया है वो डिसूजा है एंड एक रिया है वो जोशी है. तो ईच इंडिविजुअल गर्ल बिलोंग टू विच रिलीजन, वो आपको किससे पता चलता है? नाम से पता चलता है क्या, खाली रिया से? तो आप बोलेंगे नहीं सर, तो रिया खान है, रिया डिसोजा एंड रिया जोशी है. अब मैं अगर बोलूं कि मुस्लिम इसमें कौन है, तो आप इमीडिएटली बोलेंगे रिया खान इज मुस्लिम. क्रिश्चियन कौन है, तो रिया डिसोजा इज क्रिश्चियन. एंड हिंदू कौन है, तो रिया जोशी. तो ये हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन जो है वो हमको किससे पता चलता है? सरनेम से, करेक्ट. सो दिस सरनेम इज नथिंग बट फंक्शनल ग्रुप. तो हर कंपाउंड का अपना एक सरनेम होता है और ये सरनेम ही है ना वो प्रॉपर्टीज डिटरमिन करता है कि व्हाट रिलीजन द मॉलिक्यूल विल फॉलो. बरोबर ना, कि अगर खान है तो वो इस्लाम फॉलो करेंगे, डिसूजा है तो वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करेंगे, फिर जोशी है तो हिंदुइज्म फॉलो करेंगे. तो ये जो पैटर्न है, रिएक्टिविटी पैटर्न है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एटम और ग्रुप ऑफ एटम एंड दिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच वी इन कॉमन सेंस अंडरस्टैंड एज फंक्शनल ग्रुप, है ना. दिस फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग बट सरनेम ओनली, सरनेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना. तो हमेशा केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज होता है, शादी के बाद में क्या चेंज हो जाता है, अपना सरनेम चेंज हो जाता है ना. सो व्हाट चेंजेस इन ए केमिकल रिएक्शन इज मोस्ट ऑफ द टाइम योर सरनेम, दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप. इसके लिए रिएक्टिविटी पैटर्न जो है ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है. इसके लिए फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करना है, तो व्हाट रिएजेंट इज टू बी यूज. ये अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपकी एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा एंटायर आपका जो है वो आप 3 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हैं. 9 के 9 चैप्टर इन 3 आवर्स, यू टेक ए वर्ड फ्रॉम मी. एंड हाउ यू विल बी डूइंग वो मैं आपको मेरे यूट्यूब के जो चैनल्स है उसके माध्यम से बताऊंगा. आप ये रिडक्शन देख लीजिए. पहला रिडक्शन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड है उसको सबको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन ऐड करने, तो डबल बॉन्ड निकल जाएगा, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन पे. सो दिस विल टर्न इनटू CH एंड दिस विल टर्न इनटू OH. ये हो गया रिडक्शन. तो कीटोन इज रिड्यूस इनटू अल्कोहल, करेक्ट. अब उसका उल्टा कर देते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन को अगर मैं गायब कर दूं तो वापस डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा. दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन, करेक्ट. सो दिस टू रिएक्शंस आर इनवर्स, उल्टे रिएक्शन. अब इसके लिए क्या रिएजेंट यूज करते हैं हम देखेंगे, पैटर्न देखिए. अब ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, aldehyde react with 1 mole of reducing agent to give primary alcohol and ketone will react with 1 mole of reducing agent to give secondary alcohol. dekh lijiye kya kiya idhar, aldehyde agar liya, yahan maine ek h rakha, yahan maine ek h rakha, correct. so what I am getting, primary alcohol. yahan dono alkyl group hai, theek hai, yahan ek h rakha, yahan ek h rakha, so this is secondary carbon atom, to mujhe kya mila, secondary alcohol, very simple. ab yahan ye dekh lijiye हाइड्राइड जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं. आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड आप ये लेते हैं, है ना. तो इसके रिएक्शन पैटर्न किस तरह से होता है, तो मैकेनिज्म एकदम सिंपलीफाइड इसमें किया. हाइड्राइड H माइनस जो है LiAlH4 है, LiAlH4 के अंदर लिथियम एंड ये AlH4 हमने इस तरह से लिया, है ना. तो ये H विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस के साथ में, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड. ये यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में उसका हाइड्रोलिसिस होता है. तो दिस विल ड्रॉप ए प्रोटॉन हियर एंड दिस विल टर्न इनटू OH. ये सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका. अब ये एल्डिहाइड था, देखिए एल्डिहाइड को क्या किया, एक एच मैंने यहाँ रखा, एक एच यहाँ रखा प्राइमरी अल्कोहल, एक एच यहाँ रखा, एक एच यहाँ रखा सेकेंडरी अल्कोहल. अब सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4, तो उसमें भी HBH3 किया, तो पहला BH3 विल गेट अटैच हियर, आपका OBH3 हो जाएगा, उसके बाद में BH3 विल बी रिमूव्ड एंड H विल बी प्लेस्ड, तो आपको अल्कोहल मिलेगा. हालांकि मैकेनिज्म तो आपको नहीं है, लेकिन जिस समय आप ये करते हैं, है ना, रिडक्शन, तो आपको इस चीज पे ध्यान देना कि कट के क्या जा रहा है, कौन सा पार्ट है जो बाहर जा रहा है, व्हाट पार्ट इज लॉस्ट. तो ये आपका सबस्ट्रेट था, सपोज हमने इधर लिया RCOOR, मतलब एस्टर है, तो इस एस्टर में ये RC डबल बॉन्ड O को इंटैक्ट रखा है, नीचे का जो पार्ट है OR को मैं फेंक रहा हूं बाहर, और उस OR की जगह पे व्हाट आई एम पुटिंग, 1H, इस कार्बन पे 1H, इस ऑक्सीजन पे 1H. देखिए तो ये OR चला गया, ठीक है, 1H यहाँ लगेगा, तो मेरे को 4 हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन मुझे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट दे सकता है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, या कोई मेरे को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा. तो यहां से RO के साथ में 1H गया तो ROH बन गया, ये RO जहां निकला वहां 1H अटैच हुआ, ये डबल बॉन्ड चला गया तो 1H यहां अटैच हुआ, और इस ऑक्सीजन के साथ में 1H अटैच हुआ, तो HH, ठीक है, एंड H, तो दिस विल गिव मी RCH2OH, मेरे को मिल गया प्राइमरी अल्कोहल.
सेम वे एसिड क्लोराइड का अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या, इधर से सीएल गया तो अब मेरे को यहाँ कितने चाहिए, तो एक एच यहाँ चाहिए, एक एच यहाँ चाहिए और एक एच यहाँ चाहिए, ठीक है। तो सीएल इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एचसीएल एंड वंस अगेन आई एम गेटिंग व्हाट द प्राइमरी अल्कोहल। सेम वे अगर मैं RCOOH एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन करता हूं तो कैसा करेंगे, यहां से OH निकल जाएगा, HOH इधर एक H रख दिया, इधर एक H रखा, है ना, तो HHOH once again मुझे क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल। तो देखिए रिडक्शन में आपका एस्टर का रिडक्शन, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, तो ये इस तरह से रिएक्शन प्रैक्टिस की जाती है। अब अमाइड का देख लीजिए, तो अमाइड में सी डबल बॉन्ड ओ हम गायब कर रहे हैं, तो ओ के लिए मेरे को दो हाइड्रोजन लगेंगे, ये दो हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे तो दो हाइड्रोजन मैं यहाँ प्लेस करूंगा, तो दिस विल टर्न इनटू RCH2NH2 अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वे नाइट्राइल का रिडक्शन मुझे करना है तो RCH2NH2 होएगा, है ना, इसके अंदर कुछ भी लॉस नहीं होता, इसके अंदर खाली इधर दो हाइड्रोजन इधर और दो हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाते हैं, तो ओनली नाइट्राइल इज देयर कि जिसके अंदर नथिंग इज लॉस्ट, बाकी के जो कंपाउंड इसके अंदर सम पार्ट इज लॉस्ट एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, दैट इज कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। अब ये नाइट्रो कंपाउंड में देख लीजिए क्या यहाँ से रिड्यूस किया, ये ओ दोनों को मैंने निकाल दिया, उसकी जगह पे मैंने दो हाइड्रोजन रखे, करेक्ट, तो आई विल गेट प्राइमरी अमाइन RNH2। सो रिडक्शन का क्या है, देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट मेथड, कौन से थ्री डिस्टिंक्ट मेथड है, एक तो कैटालिटिक रिडक्शन हो गया जिसमें आप डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट एक्सेट्रा। सेकेंड हाइड्राइड रिडक्शन है जिसमें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड इस तरह के रिएजेंट यूज करते हैं, एंड तीसरा आप मेटल के प्रेजेंस में कैरी आउट करते हैं, है ना, तो इस तरह से ये रिडक्शन का कॉन्सेप्ट चलता है। अभी ये जो रिएक्शंस है वो भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सिलेबस में कॉमन ऐसे रिड्यूसिंग जितने भी रिएक्शंस है कम से कम 12 से 15 देंगे, उसमें दो तीन रिएक्शन सारा हमेशा आपको एग्जाम में आते ही है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो अब ये देखिए दो क्लेमेंसन रिडक्शन एंड गुल्फ कशनर रिडक्शन, अब ये क्या है, तो इसमें हम डबल बॉन्ड ओ को उड़ा रहे हैं और वो डबल बॉन्ड ओ की जगह पे हम एच एच रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा के रिमूवल ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, रिमूवल ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ और उसकी जगह पे अगर एच एच आया तो आई विल गेट अल्केन, क्या मिलता है मुझे, अल्केन मिलता है। सो दिस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय टू वेज, एक तो पहला जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल अगर मैं यूज करूंगा तो उस रिडक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन बोलता हूँ, एंड अगर मैं हाइड्राजिन NH2 एंड KOH अगर यूज करता हूँ स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन मुझे लेना देन दैट विल बी कॉल्ड एज वुल्फ किशनर रिडक्शन NH2 के प्रेजेंस में। अब ये कैसे होता है वो भी हम देखते हैं, ये देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या किया है, सी डबल आर आर सी डबल बॉन्ड ओ लिया, जिंक एंड एच सी एल लिया मैंने, क्या किया इधर डबल बॉन्ड ओ को निकाल के दो पार्ट में दो सिंगल बॉन्ड कर दिए और उसकी जगह पे एच एच रख दिया और उसके साथ में क्या जाए जिंक क्लोराइड एच जी या H2O मिलेंगे, है ना, एंड दिस टेक्स प्लेस वाया पॉसिबली वाया दिस, पहले सॉल्ट बनता है और उसके बाद में जाता है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म आज तक पता नहीं चला है। अब ये वुल्फ कशनर रिडक्शन में देख लिए इसके बाद तो क्या किया है, सेम मेथडोलॉजी है, यहाँ से सिंगल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके एच एन एच, तो इसमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको N2 मिलेगा एंड H2 मिलेगा, है ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्वेंट इसके अंदर यूज किया जाता है, इट गोज बाय हाइड्रोजोन इंटरमीडिएट बना के रिएक्शन होता है। अब यहाँ देखिए रिडक्शन कॉन्सेप्ट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, ठीक है, तो क्या किया हमने सी डबल बॉन्ड ओ ईयर एन ए दिया इंटैक्ट, ये ओ एच की जगह पे हमने क्या रख दिया एच रखा है हाइड्रोजन, ठीक है, इधर ओ आर की जगह पे हम क्या रख रहे हैं एच रख रहे हैं तो सी एच टू ओ एच। हेलो, हाँ मैडम, यस 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 यस, मैं कंक्लूडिंग पे ही हूँ, मैं उसके बाद में ये सम आपके कंडेंसेशन रिएक्शंस है, है ना, कि जिसके अंदर आपके हाइड्रोजन के जो डेरिवेटिव हैं, ये इस तरह के रिएक्शंस आप ये कर लीजिए। अब मैं आपको 3 मिनट में अब मैं पूरा वाइंड अप कर रहा हूँ, अभी आज मैंने जो डिस्कशंस में लाए ये टोटल 40 रिएजेंट्स हैं एंड दिस लिस्ट आई विल बी शेयरिंग इट विद यू ऑल, दोज हु हैव सब्सक्राइब माय चैनल विल बी गेटिंग इट बाय डिफॉल्ट। तो ये जो रिएजेंट्स हैं ये सब रिएजेंट का हमने कि आउटगोइंग ग्रुप कौन सा उसकी जगह पे क्या आ रहा है वो इस तरह से किया हुआ है, विच कवर्स योर एंटायर सिलेबस, टोटल 40 ये रिएक्शंस हैं, ये अगर आप करेंगे तो आपको इसके बाहर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये सब कन्वर्जन है एसिड डेरिवेटिव के, अमाइड में अगर कन्वर्ट करना है ना तो कितने डिफरेंट वेज आर देयर,
हर तरीके का वे का जो है वो डिटेल ये है, और ये जो स्टेप है मैं इन डिटेल आप लोगों के साथ में मेरे यूट्यूब के जो आने वाले हैं फ्यूचर में उसके थ्रू मैं शेयर करूंगा। सो आई विल स्टॉप हियर बिकॉज एज वी आर अच्छा वन थिंग मोर कि जनरली क्लासिफिकेशन के बारे में भी पूछते हैं, अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन या किसी भी चीज का, तो क्लासिफिकेशन जितने जो सब आप अच्छे से कर लीजिएगा और बाकी का तो सब बताएंगे। एंड कि 1:11 हो गए, तो आई विल कंक्लूड माय सेशन हियर, आई एम स्टॉपिंग हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी एंड लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। मैं अब साइला मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टेक ओवर द चार्ज, आई एम स्टॉपिंग माय प्रेजेंटेशन। The teacher who is indeed wise does not bid you to enter the house of his wisdom, but rather leads you to the threshold of your mind. I now request Mrs. Tasneem Sherkar ma'am to deliver the vote of thanks. Thank you, Fareen. Good afternoon, everyone present here. Good afternoon, sir. Good afternoon, very good afternoon, ma'am. First of all, dear students, we are so happy that today we could have good number of students attending this lecture because of YouTube channel. We have used YouTube channel live session for this session. First time we are doing that. So congratulations, chemistry department, for doing that. So this lecture now will be available for the students who could not attend it. First of all, remember that now in this time of pandemic, हर situation के दो part रहते, तो वैसे हमको ये pandemic में हमने ये सीखे कि technology को positively कैसे use कर सकते। सर मुंबई में है और इतनी अच्छी personality technology से connect हो रही और इतने सारे students को contact कर रहे, तो सर ये एक हमको, हम वो एज वाले हैं कि बहुत पुराना वाला जमाना देखे हमने और अब इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी यूज भी कर रहे हम लोग, तो हम एक साथ एक मैसेज भी ये देना चाह रहे हैं स्टूडेंट को कि टेक्नोलॉजी तो है लेकिन हम उसको कैसे यूज करें वो हम पे है। तो सर मुंबई में बैठे हैं, हम लोग पूना में है और आप लोग अपने घर पे है, लेकिन हम लोग सब एक साथ है, ये ब्यूटी है वो टेक्नोलॉजी की। सो the message is use technology wisely. Sir, thank you very much on behalf of all the students and the staff member. We are happy to have you with us. As Shaila madam told in her introduction that knowledge to bahut logo ke paas hai par sab log share nahi karte, to ab aapne aaj systematically you showed them not only one paper, both the paper 1, paper 2, and how to write it in the exam and many doubts and the shortcut steps. So you covered almost everything in 2.5 hours. So thank you so much. And especially आपने एक बीच में सेंटेंस बोला जो अगर आपकी तरफ से आ रहा तो बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस होता उस चीज को लेके कि एग्जाम का जो डर है, तो आपने बोले कंफ्यूज नहीं होना है, अभी रिलैक्स रहो और अच्छे से एग्जाम दो, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा उनके दिमाग में कोई, और एक मॉरल सपोर्ट है आपके लेक्चर का, तो जो भी टीचर्स ने पढ़ाए हैं उसको वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट सर, योर सेशन रियली डिड दैट, और फ्यूचर में भी आई होप यू विल बी यू नो कमिंग एज गेस्ट लेक्चर वर्चुअली टू आवर कॉलेज। थैंक यू सो मच। श्योर 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 मैम, आई एम एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी सिंस 1991, आई वाज फर्स्ट इंटर टीच टू फ्यूचर जो प्रोग्राम था माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो लॉन्च किया था 1991 में, उसमें आई वाज मास्टर ट्रेनर एंड टू माय क्रेडिट आई हैव कलेक्शन ऑफ सेवरल सच एनिमेशन, आई एम एनिमेटर, मेरे पास में मोर देन 16,000 एनिमेशंस है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और अपडेट कर देता हूँ, आई एम बीटा टेस्टर फॉर व्हाट्सएप। आप जो वीडियो कॉलिंग फीचर आप जो वीडियो कॉलिंग फीचर जो यूज कर रहे हैं वो व्हाट्सएप को मेरी देना है, इट हैज बीन ऑफिशियली एक्नोलेज्ड इन 2014, that was my suggestion to WhatsApp to come up with video calling feature. Okay, congratulations, sir. Good to know that.
थैंक यू वी आर सो हैप्पी दैट आज इतनी बड़ी इतनी ग्रेट पर्सनालिटी से हमारे स्टूडेंट्स इंटरैक्ट कर पाए तो आपको उनके लिए एक मोटिवेशन भी है कि आप सिर्फ टीचर नहीं आप टेक्नोलॉजी में भी अपडेटेड है और वो टेक्नोलॉजी का यूज अच्छी तरीके से कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग सेशन फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द टीचर्स आल्सो इनामदार कॉलेज टीचर्स आल्सो लर्नड सो मच फ्रॉम हिम एक मेरी हंबल रिक्वेस्ट है प्लीज आस्क योर स्टूडेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि मुझे टेंपरेरी खाली 1000 का जो फिगर है वो क्रॉस करना है जनरली यूट्यूब वालों का एक ये कंसर्नट रहता है कि आपका भले पेड वर्जन भी अगर है तो भी आपके पास में मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए तो ही बाय डिफॉल्ट वो उसका जो यूट्यूब लाइव का है वो ये एक्टिवेट करते हैं तो आई विल अप्रिशिएट इफ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 965 टुडे आज 965 हो गए हैं लगभग 35 स्टूडेंट और अगर इसमें आज एड ऑन हो जाते हैं और 1000 अगर ये फिनिश होता है तो यूट्यूब लाइव का फीचर है वो मेरे इसके ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा तो शायद मैं एक दो दिन में इन बच्चों के लिए नॉट ओनली फॉर योर स्टूडेंट बट फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट आई हैव सेवरल व्हाट्सएप ग्रुप मैंने लगभग इन पास्ट आई हैव ट्रेन मोर देन 6000 टीचर्स इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट 6000 से ज्यादा टीचर्स को मैंने ट्रेन किया है हाउ टू हैंडल केमिस्ट्री तो मेरे उनके भी काफी ऐसे ग्रुप्स हैं मैं उसमें भी ये पोस्टिंग करने वाला हूँ कि ये जो है वो बाय एंड लार्ज अपने महाराष्ट्र के सभी बच्चों तक पहुंचे और उनको इस एग्जाम में इस चीज का बेनिफिट हो आप सब लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए एंड आशा करता हूँ कि यू ऑल वुड हैव बीन बिट कंफर्टेबल विथ माय पेज एंड मेरे प्रेजेंटेशन में आप थोड़े कंफर्टेबल रहे होंगे अगर कहीं कुछ कमी या कसर रह गई होगी तो क्षमा कीजिएगा थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल Thank you so much. Gracias.